जेकर बाघ के करे जा जाई के है अल्लाह मालिक भेजा हैया हैया हैया। जेकर बाघ के करे जा देखे अल्लाह मालिक भेजा ओके काई देरवाई गुनहगार डगरिया जे सारा जीवन बीस झेले हरदम खतर से खेल ओके डोड़ा हाके देता फुबकार नगरी हाई। गोरखपुर के पढ़वैया दुई बिहार के बसैया के उठाई लेवे देश भक्ति के गगरी। खाली हाथ व्यापार शुरू कैले बेरोजगार परसों बनी इतिहास अनियार कोठरी। अब चेत जाहो नेता जगले भारत माँ के बेटा चेत जाहो नेता जगले भारत माँ के बेटा। अब जवानी नहीं तोहरा आगे नाक रगड़िया जेकर बाघ के करे जा देके अल्लाह मालिक भेजा ओके काई देरवाई गुनहगार नगरी। दुछे भोजपुर के वीर लेके फूटल तक खदीर ऊंचा सिर करे स्वागत कारागार जगरी। जो सारा जीवन बीस झेले हरदम खतर से खेल ओके डोड़ा के देता फुबकार नगरी। जेकर बाघ के करे जा देखे अल्लाह मालिक भेजा होके काई डेरवाई गुनहगार डगरिया। हे मैया तू तो जगह जननी बाड़ू और आपन बच्चन के दिल की बात माई से बेहतर के बुझ सकी ले। हम इतना दिन से मुन्ना से प्रेम करी ले लेकिन उनसे अब तक ना कह पाओली। तू आज कुछ ऐसा चमत्कार कह दे कि हमारे करेजवा की बतिया होटवा पे आ जाए। बता बाबू कब आई है के? अरे वो है जो हमेशा समय के साथ नहीं समय को चैलेंज दे के आई मुन्ना पांडे। अरे अब कहा आई है? अब तो प्रोग्राम में 5 मिनट देर रह गए बा ओकरा आवे में बहुत ही मुश्किल। कितना भी मुश्किल हो वो आइल और जरूर आइल। गोरखपुर विश्वविद्यालय के सभी छात्र और छात्राओं का मैं स्वागत करता हूँ। छात्रों आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इस बार हमारे विश्वविद्यालय का रिजल्ट सबसे अच्छा आया और सबसे ज्यादा मैं बधाई देता हूँ उन दो छात्रों को जिन्होंने इस कॉलेज में टॉप किया है मिस सुमन और मिस्टर रोहित। लो मुन्ना पांडे अरे आपको भी बधाई हो क्योंकि आप भी पास हो गए। कितना भागत भागत देने का जाना एकदम टाइम। छात्रों ये वो शख्स हैं जो समय के साथ नहीं समय को चैलेंज करके चलते हैं और आज भी तशरीफ रखिए आइए आइए। और मैं प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने हाथों से रोहित और सुमन को गोल्ड मेडल दें। आइए सर। बाद में मिलो ये नहीं देखो लागे लसन। बेटा मुन्ना पांडे अब तुम बच्चे नहीं हो समय के साथ चलना सीखो और अपनी जिम्मेदारियों को समझो। बच्चा रहते तो इतना टेंशन नहीं फिर गुरुजी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।
सुमन और रोहित। अरे दौलत हमार ले लाओ, सोहरत हमार ले लाओ, अरे भलहू के ले ला रघुबर, सोना नियन जवनिया लौटा सकी तब फिर से, अरे लौटा सकी तो फिर से, लौटा सकी तो फिर से, लौटा दी लड़कैया, लौटा सकी तो फिर से, लौटा दी लड़कैया, लौटा सकी तो फिर से। दौलत हमार लेला, सोहरत हमार लेला, दौलत हमार लेला, सोहरत हमार लेला, भलहू के लेला रघुबर, सोना नियन जवनिया लौटा सकी तो फिर से, लौटा सकी तो फिर से, लौटा दी लड़कैया, लौटा सकी तो फिर से, लौटा दी लड़कैया, लौटा सकी तो फिर से। बीतल समय दोबारा कभी लौट के न आई, बीतल समय दोबारा कभी लौट के न आई, कुछ याद खट्टा मीठा हमनी के संगे जाई, कुछ याद खट्टा मीठा हमनी के संगे जाई, खाली जे क्लास होता कल फिर से गहगहाई, एगो और बैच आके आपन जगह बनाई, पर याद हमनियों के रहो गुरु जी आई। तीन साल बीतल जैसे खेलत बकैया, तीन साल बीतल जैसे खेलत बकैया, लौटा सकी तो फिर से, लौटा दी लड़कैया, लौटा सकी तो फिर से, लौटा दी ऊ समैया, लौटा सकी तो फिर से। गुरुज जिंदगी के हुआ और के सिखाई है, गुरु द्रोण बन के फिर से अर्जुन नया बनाई है, गुरु द्रोण बन के फिर से अर्जुन नया बनाई है। बेमन के ऊ पढ़ाई कैंटीन के लड़ाई, दिल के लगी केहू के सपना बड़ी देखाई, जब दिल के घाव टीसी बरसों बरस रुआई, कोई जाके गांव घर में करे लागी पलस्तर, कोई बन के आ सकेला एसपी और कलेक्टर, इहो हो सकेला केहू चिनिया बादाम बेची, केहू खून दे के आपन माटी वतन के सींची। तब याद आई सबके, तब याद आई सबके, कॉलेज के अंगनैया लौटा सकी तो फिर से, लौटा दी ना लड़कैया, लौटा सकी तो फिर से, लौटा दी समैया, लौटा सकी तो फिर से। दौलत हमार लेला, सोहरत हमार लेला, दौलत हमार लेला,
सोहरत हमार लेला भलहू के लेला रघुबर सोनानियन जवनिया लौटा सकी तो फिर से लौटा दी लड़िकैया लौटा सकी तो फिर से लौटा दी लड़िकैया लौटा सकी तो फिर से लौटा दी लड़िकैया लौटा सकी तो फिर से कुछ गलती खाए रहे तो मुन्ना पड़े के माफ करे हे भगवान आज कोनो तरह हमें दिलवा की बात हमरे होटवा पे आ जाए वो देखा वो खड़ी है जा है? जा हमरे कहे के बुलाती है अरे जाके ओही से पूछा ना लड़बो के अच्छा वो देखल जा हमरे के बुलाऊं ना का नमस्ते हाँ कहे कोई जरूरी काम रहला हाँ हमके तोरा से कुछ कहे के बा कहा नहीं हम तोरा से एक हल चाहते हैं कि बोला तो गाना बहुत अच्छा गाइला वो तो हम शौक से गाइला ना तू तो पढ़े नहीं कितना तेज बाड़ टाप कैले बाड़ हम तोके कैसे बताएं कि हम तोरा से प्रेम करी ले तू कुछ कहलू होगा हाँ 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 एक कहली पढ़ाई तो पूरी हो गई आगे का इरादा बा सुमन जी स्टेज में क्या इरादा हो सकेला जुगाड़ खोज तनी जा नौकरी उकरी मिल जाए तो जीवन की गाड़ी आगे बढ़े भाई हमेशा कहले कि नौकरी उकरी मिल जाए तभी कुछ कर जा सकेला तो इतना कहे सोचत बड़ा मुन्ना तो करी ना कुछ करू का हाँ कहली है ना आप तो सब छुट्टी पे चल जाए तो साथी संगाती की बहुत याद आई ना अरे भाई बिछड़ला की बात तो सबका याद आवेला और हमनी के तो केकर मोटरसाइकिल है लाल कलर के अरे हमार ए हटा बा गाड़ी निकालने के बा अच्छा कि रास्ते में खड़ा बैठी ते कभी मुलाकात करो प्रणाम नमस्ते बाय अब का होई अरे ये देखा तो हाल ये तो नौकरी ठीक रही अरे ना भैया हम तो सोचा था नहीं कि पत्रकारिता का कोर्स करी हां ये पत्रकारिता के कोर्स से कुछ नहीं के होई और 3 साल के टाइम खराब होई हम तो घूस उस दई के रेलवे में ट्राई करब बहुत उम्दा विचार बा तोनी के बहुत उम्दा तोहनी नियन देश के वीर बहादुरन से ई देश में फैलल भ्रष्टाचार करप्शन खत्म हो ठीक लाइन धेले बोलो सन बिल्कुल ठीक लाइन आखिर कुछ तो करे कोई भैया अब तो हॉस्टलवा भी छूट जाए ना हाँ ये घर के लोग अब कबले खर्चा भेजी है और का पागल वाला सन तोनी के ऐसे बढ़िया बाटे कि चल के गोलघर मार्केट में चंदा ले हल जा चंदा दे दो देखो ही सतीश बाबू के अलगे व्यस्त बाड़े का हो गार्ड का चलो अरे मुन्ना तोहार सब्जेक्ट हिस्ट्री बा ना कब का तोहरे लिए खुशखबरी बा का अरे दैनिक जागरण मां निकलल हो पुरातत्व विभाग में हिस्ट्री ऑनर्स का डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो रहल बा कल ही इंटरव्यू बा देखा अरे बड़ी ना दैनिक जागरण हमेशा हमरा कहते नहीं अच्छी जगह से अब भाई बुझ जा लोग मुन्ना पांडे पुरातत्व विभाग का अफसर हो गई लेन अरे भैया सलाम करा आई देखा दो ठो वैकेंसी बटे ऑनलाइन इतना बड़ी अरे चिंता मत कर बबुआ धीरे धीरे आदत पड़ जाई हमरे विचार से तो भारत सरकार के बेरोजगारन के निर्यात करे के चाही भैया खाली फॉर्मेलिटी करिहन सन सारा सेटलमेंट पहले ही हो जाला अरे भाई हर जगह ऐसा नहीं होला भाई नो दुनिया में ईमानदारी जिंदा भरते इतना लोग फाइल लेके खड़ा बटे तो कुछ तो बात हुई भाई ना भाई दू गो रिजर्व बा और दू गो जनरल बा अरे इतना धक्का खा चुकल बने का करनी जाए पेशेंस रखी ऐसे निराश नहीं होके के चाहिए इतना लोग खड़ा बटे अपना पर विश्वास रखी समझे मुन्ना पांडे हाँ जी अच्छा थैंक यू सर जय हिंद भाई जी मेक यू मीन सर आवा बैठा थैंक यू सर हाँ तो क्या जानकारी बा पुरातत्व के बारे में कुछ अनुभव सर 1920 ईस्वी में जान मार्शल और राखालदास बनर्जी के सहयोग से जिस सबसे पुरानी सभ्यता का ज्ञान होता है सिंधु घाटी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सभ्यता करीब लगभग बस आधुनिक सभ्यता के बारे में जानकारी बा प्रोजेक्ट का बा सर 4-5 हजार रुपया मिल जाए तो हमारे पार घाट लग जाए अरे हम देवे के नहीं
लेवे के बात करत आनी। हम कुछ समझ ली नहीं। अरे इनको आगे बढ़ाओ यार। बैलो वका जी, बाहर इतना लंबा लाइन बा, दो ठो सीट बा, एक ठो मंत्री जी की बहन का बेटा बा और बचल एक सीट। बोला का विचार बा तुहार? तो हाँ के चुनल जा काजी। आँ? कितना माल देबा? आँ? पैसा कितना देबा? कुछ देवे के विचार बा? आप लोग हमारा से रिश्वत मांग रहे बनी जा? हाँ, सही समझा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम सुमन है और जी मैं जानता हूँ मैडम, आपके भाई साहब का फोन दिल्ली से आ गया है। साहब ने आदेश कर दिया है, आप मुन्ना पांडे को ले जा सकती हैं। हमारे कोनो गलती नहीं रहे, हम क्या करें, नौकरी देवे खातिर घूस मांग रहा था, मुन्ना पांडे घूस दिया। का भेल होई हमके मालूम बा, चलो। अब तू का टेंशन में बड़ा चला। अरे ए मुन्ना, ई कहे गांव जाए प्लान बन गई। अरे क्या करी मर दिया, अब यहाँ मनो लागत नहीं किया हमार, यहाँ रहो तो सारा रोज टेंशन में होते रहे, और क्या करी। अरे वो सब तो ठीक बा, परो फारम फारम। अरे मुन्ना क्या ठोकर रहे मर दी। अच्छा हम चला था नहीं। अरे सुमन चलो। ए अरे तुम लोग कहे तो ए दो मिनट में बता नहीं। सुमन तू अचानक ही है, पैकिंग होता। हाँ हम गाँव जाते नहीं ना, कब तक ले आ जाए। अब का पता कहिया ले आई, आई वो करब कि नहीं आई। काम धाम के जुगाड़ बाटे नहीं, घर से पैसा लेवे में लाज लागत है, गरम दिमाग बाटे, अनेत बर्दाश्त नहीं खेलो। कब तक ले हमरा के थाना छुड़ावत रह। तब तक छुड़ावत रह जब ले तो चाय। अरे लियो 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 आओ यार। ये ले चाय। ये चाय के भेजवाओ ला। ओ रोहित। अच्छा रोहित ला चाय पिए ना। बैठो बैठो बैठो। ना 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 हम नहीं बैठब। अरे बैठो नहीं, देर होत बा। अरे तो बैठो नहीं। अरे नहीं 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 दादा दा तुम्हारे आज तो जल्दी होगी ना। अच्छा चलो चाय पिए नहीं। चाय बहुत बढ़िया बना, बिस्कुट बहुत बढ़िया। बिस्कुट नहीं लेना सोनो का। मुन्ना तू हमरा आंखिया में झांक के देखा कि हम तोरा से कितना प्रेम करी ले। कुछ कलू है? हाँ हाँ वो हम ये कहत रहली है कि क्या कई दिन सोचत रहली कि कह दे वो हम वो मतलब बोलो नहीं। आई बोलो नहीं। आई एक्चुअली आई सॉरी सॉरी। अरे शुभम आओ 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 जी। शुभम ये सुमन, सुमन ये शुभम हमें। नमस्ते। 262 पे रह ले। आओ बेटा बैठा बैठा। तुम बैठा नहीं बैठा। हाँ तो कुछ कहा था तो सुमन। हाँ ये चाय बहुत बढ़िया बा। अरे चाय तो बहुत टाइम प्लस के सात आठ हॉस्टल में करे चाय जाला। कुछ कहा था तो ना। हाँ हम ये कहा था रली कि तू घर जा रहा बाड़ो, ऑल द बेस्ट, ठीक से जाइए हो और जल्दी आ जाइए। हम थैंक्स, हम के देर हो रहा बा, हम चला थे। अच्छा ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय बाय। चल अपना कमरा भेजा अब। हाँ चलो। चलो ट्रेन छोड़ जी भैया जल्दी कर। माई
माई के सारा धन दौलत गोबर में। हमारे मुन्ना, हम तो पगला गई नहीं। जब आयो तब तो गोबरे पतत रह लू। अरे जरा आराम भी करे के चाहिए। अरे भैया प्रणाम। कुसुम कैसे बड़ी तू? ठीक बा। हाँ। बचुआ आपके तो ढेर दिन लगा दे ली। हम तो रास्ता देखते देखते थक गए ली। असो फाइनल रहे ना, फाइनल इम्तिहान के तैयारी करे में बहुत मेहनत लगेला और फिर ये रिजल्ट अच्छा भी चाहते हमने की। भैया तुम्हारा रिजल्ट आ गया का? रिजल्ट 57% मार्क से मुन्ना पढ़े पास। भगवान। चल वो सब छोड़, तो इतना दुबर काहे हो गए मुन्ना? दुनिया के कुल माई के अपन बेटा हमेशा दुबरे लागेला। अरे भाई तू महतारी बेटवा के बीच में हम कुछ बानी की ना? बाबूजी प्रणाम। खुश रहा खुश रहा। सुने अपना बचवा पास हो गई। हाँ। मुन्ना पास हो गई। खुश रहा बेटा खुश रहा। अरे महादेव पाणे के बेटा फेल कैसे हो सकेला? लेकिन बेटा वो जो तू पुरातत्व विभाग के फार्मवा भरले रहला ओकर का भाई? भाऊजी आजकल टाइम इतना खराब बाटे ना, कैंसिल हो गए। हमार बचवा इतना दूर से थाकल हारल आइल बाड़े। चल बचवा घरे चल। कुसुम भैया खातिर खाना लगा। हाँ चलो। अच्छा। चल अरे मर्दे गोरखपुर शहर के इंडिया में गो स्थान बाटे। अच्छा अच्छा तब तो तू ऐसा बाबू न बन जाइब। तू न लड़बा के राजी बा में। अरे मुन्ना पांडे कलेक्टर से नीचे की नौकरी करी है ना? ना। अरे कौन बारे? अरे सरकार अंजोर नहीं कर सकते अनहार करे को काहे लागल बड़ो? अच्छा छोड़ प्रगट हो गए देवता खैर भागिलो। अच्छा नदी। अरे मोहित। अरे रे रे रे। अरे करी मदे कितना दिन तो बैठा था नहीं बताओ ने कहाँ चल गिर ले हुए? कहाँ चल गिर ले? कहाँ रह ले? मामा के यहाँ। माई बाबू के मरला के बाद हमार पढ़ाई लिखाई वजह भइल। अब बीए कैला के बाद हम गावे आ गए कि घर संभालब खेती गृहस्थी करब। लेकिन अच्छा चलो चिंता करे कोनो बात नहीं। भगवान वाला तो सुनी मर्दी सब ठीक है। अच्छा हाँ तो का चिंता बा मर दे तू आ न गइल बस। अच्छा का खबर जा घरे जा ना ना नौ टंकी खातिर अब तो अच्छा भइल तू आ गइल। नौ टंकी में और चार चांद लग जाई का हो? नौ टंकी में और चार चांद लग जाई। टंकी सरकार हरे आन भइल संध्या समय दोहाई हो सरकार। अरे दोहाई हो सरकार बड़ी भारी आफत बायाइल। हरे प्राण प्यारी रूप कुमारी बाड़ी मोर भुलाइल। सला तू छलिया लगता है मुझे तू ढोंगी लगता है बड़ा पाखंडी लगता है इश्क का रोगी लगता है। नाही साहब हम सच बोलता नहीं। पक्का? पक्का हुजूर। मुंशी जी FIR लिखो। अरे ना हो साहेब ई आदमी बड़ी बात की। अच्छा? हमरा बेटी के कतही छिपा देले बा। दर्द बेटी के बाप से पूछ ली हीरो होंडा के खातिर रोवा देले बा। दर्द बेटी के बाप से पूछ ली हीरो होंडा के खातिर रोवा देले बा। अच्छा हाँ सरकार। तो तू दहेज का लोभी है। पकड़ लिया मैंने। तो तू दहेज का लोभी है मैं तुम्हें दुरुस्त बना दूंगा। जी जी। आ कानून पुलिस क्या होती है मैं आज तुम्हें बतला दूंगा। चल चलो उठ हरीश सिंह के थाना में गुंडा कर दी रे। नाए हजूर ये हमार ससुर जी एकदम झूठ बोल रहल बानी। क्या
ससुर जी और झूठ जी सर। ए हजूर हमार बेटी आ गई लोकर से ना पूछ ली। मारी मारी फोड़ ले बाटा होना बंगा जाई बसा जनवा ए साहेब। मारी मारी फोड़ ले बाटा होना बंगा जाई बसा जनवा ए साहेब। कसाई बसा जनवा ए साहेब। कसाई बसा जनवा। ये सब क्या चक्कर है रे? बाबू जी केहन कहन आयल बा? कहाँ पर ले बहो? हाय का देखी ना लाले लाल कर देले बहजूर। और ऊपर फोड़ ले बका? हाँ तनी ऊपर उठाऊ ना। मनतिया रे मुंशीब चल हट। काफी तकलीफ देले बा। कहो ढेर छरछरा तटे। मुंशीब जी सर। डंडा उतार तो। यस सर। मार हमके फांसी लगा दी चाहे गोली से उड़ा दिए ही ठैया। अब हम जी के कारब काए भैया नाटक कर बे। हमके फांसी लगा दी चाहे गोली से उड़ा दिए ही ठैया। दारू पिए ला। अच्छा चुप रह बेटी चुप रह चुप रह। तुम चिंता मत करो। हर इसकी ऐसी बजाऊंगा बंसी में आज। जी साहेब। भूल जाएगा सताना जनाना खुये बाबू जी। आजा जी। दहेज उत्पीड़न बड़का अपराध है अशोभा देता है क्या मर्दाना कोई। मार के लाठी से ठीक करो। अरे सिकर थाना में गड़बड़ी जात साहेब। का भेल रे? आप मुझे इनाम दो। कहे? मैंने केस सुलझा लिया मुझे प्रमोशन का पैगाम दो। काके लिए बड़े? ये इस बच्चलन का प्रेमी है। प्रेमी? इसके पास से बरामद हुआ इन दोनों का तलाक नामा है और ये इस शरीफ आदमी को बदनाम करने का ड्रामा है। न्याय हो साहेब अब तो न्याय हो। घोर अनर्थ अति घोर अनर्थ इस सुंदर सुकुमारी ने रच दिया। एक शरीफ आदमी आज जेल के अंदर जाते जाते बच गया। नाय हजूर लगाओ यानी के कमर में रस्सा। अरे बाप रे बाप। नाय हजूर पटक दे यानी के हाजत में। तुम न समझो पुलिस वाले नादान है। अरे दहेज कानून का मत दुरुपयोग कर और बाकी की जिंदगी काटोगे जेल में। पुलिस वाला तो क्या समझता है रे? हम पुलिस वाले पब्लिक के निगहबान हैं। बाकी की जिंदगी काटोगे जेल में। हम जैसे गलती हो गई, हम तो माफ कर दी। अब जो उनका एक
सभा दरोगे जी करी हन। हरि सिंह दरोगा, दहेज उत्पीड़न कानून का उल्लंघन नहीं होगा। लड़का लफंगड़ से ताश खेली, मैट्रिक पास करने में नौटंकी देखी, हैं? ना दिखा बस। मुन्ना भी तो गोरा मुन्ना भी है पढ़ के यार। मुन्ना मुन्ना के बराबरी कर बेटे, वो करी बात के थाल बन के नाचल ठीक लागत होई, हम के नहीं, हैं? कुसुम को मतारी, कुछ सुन लो है? हाँ भाई। आज तोहरे दुलरुआ के चलते उस ससुर फुलचनवा हमारा के ताना मारत रहल। ताना? ताना कहे खातिर? ओकर ससुर के लइका, ओकर ससुर के लइका मैट्रिक पास बा, लेकिन ओकर खेलल कूदल ओकरा के अखरेला। और तोहार जौन पैलौठिक सपूत बाड़े ना, वो ग्रेजुएट होके भी गांव में नौटंकी खेल रहल बाड़े। रउआ तो बस बस हमारा कुछ समझावे जरूरत नहीं के, कुछ समझावे जरूरत नहीं के। ऐसे तो अच्छा रहत भगवान हमारा को दुई गो लइकी दिले रहतन, तो आज तोरे कपूस से तो अच्छे रहत, कम से कम गांव देश के लोग हमारा ताना तो ना मारते। आखिर इसन गांव के बाबूजी के अचानक आपके विचार हमारा प्रति बदल गए? का करबा जान के बतावा, का करबा? हमारा करवा खाली बताई नहीं का कलस हो तो का ओकर मुंह बंद कर देबा। अरे काना के काना ना कही तो का कही, आजू कहत बा बयान के हो और कही, और परसों पूरा गांव जवार कही। बेटा बख्श दे तो हमरा के, बख्श दे तो हमरा के, इनकरा से कह दे इनकरा से कि हमरी आंख के सामने से कहीं चल जाए यहां से। भैया इला दूध ना कुसुम, दूध पिए के मन नहीं छे। काहे? बाबूजी के बात का बुरा मान लेला? भैया तू तो घर के बारे में कब वो न सोच ली, बाबूजी की मजबूरी के नहीं के जानत? हाँ बहुत मजबूर बाड़े, बहुत मजबूर बाड़े, सब समझदन बाड़ेन, बहुत मजबूर बाड़ेन। चार जगह से हमार ब्याह का रिश्ता फिर गए, एक के लिए के बाबूजी के पास इतना दहेज ना रहे, बेटा के भी डिमांड पूरा करे के बाबूजी के औकात ना रहे। का कहत रही तू? हाँ भैया, रात दिन कर्जी कुदारी चला के खेती से जोन दो चार पैसा मिलन वो तोहके दे देली, ये सोच के कि तू पढ़ लिख के काबिल बन जाएगा, उनकर बोझ कम हो जाए। बाकी तू ही बतावा का बाबूजी के तोहरा से प्यार नहीं के बा? बाबूजी के तोहर डांटने से कि बोलने से अच्छा लगे लगा? बस अब कुछ मत बताओ, हमरे कोई कहे बताई, हमरे कोई कहे बताई कि हमारे परिवार कितना मजबूरी में चलता, हम का बनी घर की? कुछ नहीं की, कुछ नहीं की। खैर आज की बात बाबूजी की परेशानी नहीं है, और जहां तक तेरे शादी के सवाल रहल ना, तब दुनिया देखी कि मुन्ना के बहन के शादी कितना धूमधाम से हुई। देख मैं तू थोड़ा धैर्य रखो, अरे हम बेरोजगार वाली अपाहिज नहीं की। बाबूजी अब रुको, इला इला रख, हाँ रख, और बेटा अपन अपन ध्यान ठीक ठाक रखिए, और अगर कोनो दिक्कत पेश आए ना तो सीधे घरे चले आइए। हाँ लाजमावा पटना में बाबा अपन किस्मत। जय हो भोले बाबा। भाई गाड़ी रेडी मां भैया आवा। पीछे पीछे भैया पीछे। काहे? अरे रिजर्व किया भैया। अरे चला बैठा नहीं दी जरा, बैठ रिजर्व के पहुंच गया उतर। तू बैठ जल्दी। ए चला नीचे उतरा। का भाई? चला नीचे उतरा कहां तानी? का बात बा? चला नीचे उतरा। अरे भैया का बात था? तू देख ले ले रहला वे जो रुमाल रख ले रहनी। अच्छा रुमालिया ले ले आपे कह ले। ए ये सीट हमार खातिर है। मने रुमालिया रख देला सीट पर, सीट तो हार हो गई। तब का ये रुमलिया ले जाके
अब मेरे रे कपड़ा पर रख देबो ते मेरे रे तोहार हो जाई चलो बात कर चलो। अरे ए दोषी था चंद्रिका बाबू नमस्कार। नमस्कार बा दरोगा जी। ये पढ़े लिखे वाले लड़का वाले देश का भविष्य इतना बजा सकते देखा था नहीं ना यही से तई बीच बाजार में गुंडागर्दी कर रहल बन जाए। अरे चाय दे अपने आदमी बा ठीक बा रघुआ कहता नहीं तो हम छोड़ देता नहीं छोड़ अगर आज से ध्यान रखियो हवलदार ले चला एक रखे चलो ले तरह सेवा हो गई चाहे इनका। थैंक यू भाई साहब आबा चाय पी। गोरखपुर में पढ़ने बड़ा लोग का जानते हैं हमारा बारे में रवा कैसे मालूम यूनिवर्सिटी के अगुआ में जो साइकिल स्टैंड रहे हमरे रहे। अरे राम रे राम तो चिन्ह खेली हम। अरे गोरखपुर पढ़ रही ना तो साइकिल शिंदवा जोड़ रहे कि नहीं कह रहे एजा पटना में एजा रेलवे में ठेकेदारी बा बाकी तू रोज हो कैसे। अरे मत पूछी महाराज हमनी के पढ़ लिख के माटी थका तनी सन कोनो नौकरी चाकरी तो बा ना अब माई बाप कहिया ले बैठा के खियाई का हो। ओ जवन जात रहे जा हमनी के कौन जगह रे दानापुर। दानापुर दानापुर जात रहे जा भर्ती होके ना वे तो सारा जदरा खराब कर दल। अरे अरे आज के युग में नौकरी ना मिली मिलता कहाँ। अरे भगवान से भेंट हो जाई पर सरकारी नौकरी ना बिठाई वैसे प्राइवेट नौकरी कर जा। अरे सरकार कैसनो नौकरी चली सरकारी हो के चाहे प्राइवेट हो बस दो पैसे मिले के चाहे। और कहो गांव घर में ताना सुनला से तो ठीक है ना बा कैसनो नौकरी चली कैसनो नौकरी चली। ए सरकार अगर नौकरी दिलवा देबो ना तो समझ लो कि बड़ा उपकार होई ऐसा केता में दोस्त काम आ जाए दो पैसा मिले के चाहिए बस तू समझा तुहार काम हो गई। परसों मिला 3 बजे ज्वाइनिंग। अरे छुट्टी काट तो सांच बात बाटी। प्रणाम प्रणाम बैठा। सरकार हम गरीबन के खातिर मुफ्त में अस्पताल बनावत हैं उमे रउआ के मदद चाहिए कुछ का भरपूर मदद मिली। धन्यवाद सरकार। सरकार परसों हमार बिटिया के बियाह बा अगर रउआ आ जाए तो हम और हमार बिटिया धन्य हो जाए। हम जरूर आए जरूर आए। सरकार पूजा का टाइम हो गई बा हमार पूजा का समय हो गई बा प्रणाम।
नाम है राम कृपाल, साफ सुथरी छवि वाला एगो दबंग मंत्री और हमरा ई रूप कुछ खासे खास लोग जानेला, और आज से तू दुन्नो हमरे खास हो गई ला। जी साहेब, हम लोग तो सर बहुत खास आदमी बनी जा, और हमनी खातिर आप आदेश करें। बस तू लोगन पर हमरा पूरा भरोसा बा और पूरा विश्वास बा कि नेशनल हाईवे के चीफ इंजीनियर के उठा के तोहन लोग बहुत जल्द हमरे कदम में डाल दी। जी मतलब? मतलब चीफ इंजीनियर का अपहरण। नहीं बस चौके कोनो बात नहीं कि हमने के मतलब कि सला इतना छोड़ना। अरे सर, छोटा मोटा काम बटे हमने खातिर आप बताई, काम सब हो जाए। चंद्रिका,
जी। अरे पैसा के क्या जरूरत रहला, पैसा तो बादो में ले लेती सन। रखला रखला। अच्छा सर प्रणाम। और सुना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम देहिला तो हिसाब ना करेला। जी जी। हम देहिला तो हिसाब ना करेला, और लेहिला तो लिहाज ना करेला। समझला? समझ गया सर। अच्छा सर, आपके चेहरा पुरनका फिल्म के खलनायक से बड़ा मिलेला रंजीत। सर गलती हो गई, बहुत सिनेमा देखला। एक बोला तनी काम में ध्यान दे। थैंक यू सर। बुढ़वा पता एकदम सारा खन चेहरा मिला था। अरे छोड़ा चेहरा मिला था बस। साला समझ में नहीं क्या मोहित, देख बहुत खराब टाइम है वाला बैठे। अरे तू का इतना टेंशन बड़ा, साला देखे में इतना बड़ा नेता, सामने बैठे तो लगा था कितना बड़ कल्याणकारी आदमी बैठे। ध्यान दिलो रखे, मैंने जाके सामने देखा तो कोई नहीं कह सकेला कि इतना बड़ा अपराधी हुई। अब तक जाके चीफ इंजीनियर को उठा के लिया वो सत्यानाश जी सारा स्टेट। हाँ तो पैसा देता तो किडनैप करवेबे न करी। मैंने पढ़ लिखी या पढ़ल करे के बाटे, नौकरी नहीं खेता और क्या कर लिए भाई। अच्छा ला नून खा। कल कहा रह गए सांझ ले हो उतना देर ले घर अल। अरे मैं देव रोहित बाबा मिल गया हमारा संगे पढ़त रहे यूनिवर्सिटी में, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़त रहे तो हमारा संग भेटा गया क्लास की। चल हमारा संगे तो चल गई नौकरा घर। अच्छा लड़का हो ओकरा से बता देला का। हाँ तारी एहन आदत खराब बटे, कौनो बात पेट में पचबे ना करी। देख यार अब का करी बताइए देने। ए मुन्ना लो सजने कहते तो ने आ गईली। हाँ तो तू जाओ करा संगे, हम चलनी घर है, आज ही है टाइम से घर। अच्छा सुन सुन सुन, तो तू क्या कर, तू घरे पहुँचो। हाँ तो जाओ जाओ बनी। अच्छा क्या तेरा घर वह हो क्या जी, फिर क्या। हाँ ठीक बात, आज ही है टाइम। मतलब कहे तेरे को रोहित। आवाज भैया बैठा। अब कहाँ जा रहा है इंदर नगर पहुँचाओ भाई। चल हाँ चला चला। मुन्ना 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 ड्राइवर। अरे राम के परवाई गाड़ी पीछे करते का हो। अब का होई अब जल्दी चलो, जल्दी इस ऑटो से आगे निकालो। ये लागत ना के परवा के आदमी गाड़ी छोड़ दे बाबा सुकू। मुन्ना का हमर से तहर गाड़ी नीचे बढ़त। ए जल्दी चलो। हां भैया ड्राइवर जल्दी चलाओ ना, उनका पीछा करो। वो सबसे गाड़ी पर वो निकल जाएंगे। इतने से चलो बेटे। हां भैया ಬುಡಿಯತ್ತರ पानी मिले गिलास हो नहीं मिली। अभी कुछ छोड़ जाए था एकदम हाल खराब हो गई। बताओ तू यहाँ क्या करता हूँ। अरे पता तो हमारे घर बा। तो गोरखपुर का करत रहो। वो तो हम शौक से ग्रेजुएशन करे खातिर गेल रहनी। तो भैया कह रहे कि पटना में ही रहा तो इहे बीएन कॉलेज में एमए करत रहनी। तू यहाँ कैसे। तो हमनी के तो हमनी क्या करते हैं जो बिजनेस। हाँ वो बिजनेस बाटे।
कुछ अपन बिजनेस पर जाओ हमनी के गांव में गली ओकरे बाद हमनी क्या के पढ़ते रहत नहीं जाए। खैर छोड़ो, इतना दिन के बाद मिलल बाड़ो, चलो घर चलो। सुमन नहीं, आज जरूरी मीटिंग बा ना। मीटिंग? हाँ, आज तो जरूरी मीटिंग बाटे, ऐसे तो इतने बड़े नहीं जाता नहीं है ना। तो सुमन बुरा मत मनिया, हमने के काल मिले है बीएन कॉलेज ना। हाँ बीएन देख ले बनी हमने के, तो हमने कार आ जाएगी गार्डन में। हाँ हाँ पक्का मुन्ना। हाँ? आई हाँ जरूर, हम इंतजार करो। ओके ए, हाँ, चला जा बच्चा उदे का गाड़ी बा। हाँ बाबू, अपन अपन किस्मत बाटे, जरूर कोनो बड़का सेठ के लड़का हो। हाँ, आ गईली। बहुत बड़का सेठ के लड़का हो, कबो अपन गर्लफ्रेंड की कार गिफ्ट करेला, कबो मोबाइल गिफ्ट करेला। हम जरा आवता नहीं। कहाँ से? अरे सुन, ए रोहित, अरे पागल बस रही कहाँ गई? आज तो पहला बार हमके अकेले मिलल बाड़ा, बहुत टाइम से आवा है ने। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक बना? खुदे तबीयत खराब कह के तबीयत पूछे तारा। ठीक है तो कहा था ही, जे बात हम अपन दिल में इतने दिन छुपोले रहली, आज हम कह के रहम। का कहना चाहता हूँ? यह कि हमके दोहरा से प्यार बा। हाँ मुन्ना, हम तोरा से प्यार करी ले। के का दिलवा काहे नहीं कहलू पहले, काहे नहीं कहलू पहले हमरा से प्यार बा। काहे नहीं कहलू पहले, काहे नहीं कहलू पहले हमरा से प्यार बा, हमरा से मिले खातिर, हमरा से मिले खातिर दिल बेकरार बा। काहे नहीं कहलू पहले, अखियाँ तो कहती रहे, कहती रहल राजा तुमसे प्यार बा। आखियाँ तो कहती रहल, आखियाँ तो कहती रहल राजा तुमसे प्यार बा। समझे न पवला ईता, समझे न पवला ईता गलती तो हार बा। आखियाँ तो कहती कैसे रहलू पीरितिया छुपा के, केतना निहाल होती तोहरा के पाके। ओ कई बेर कही चली कहली ना ल जाके, नजरिया में रख ले रहली तोहके बसा। से बोल दे तू, मुहमा से बोल दे तू धन ई हमार बा। काहे नहीं कहलू पहले, जेकरा जितना बाटे उहे आई, जे भी देहलू घाटा हमके आगे सधी जाई। जिंदगी पर अब ता हमरा, जिंदगी पर अब ता हमरा तोहरे अधिकार बा।
नहीं कहलू पहले, काहे नहीं कहलू पहले, हमरा से प्यार बा, हमरा से मिले खातिर दिल बेकरार बा। अखिया तो कहती रहे राजा तो से प्यार बा, काहे नहीं कहलू खुल के हमरा से प्यार बा, काहे नहीं कहलू पहले। पान लगावा हो जरा। मुन्ना मुन्ना, अरे चंद्रिका मुन्ना भैया पान फिर बा पहला भैया। आई आई चंद्रिका बाबू, हाल चल बा, पान लगाओ। पान छोड़ा, कहाँ गायब बारह लोग? गायब क्या क्या हो जाए? हाँ तब इन्हें बा का है? अरे वो चल गए राजेंद्र नगर ना, तो दो दिन रोजेंगे रुके के पड़ गए, और कह रहे कि को नया केस हो गए, सलामते नहीं रहे। इतना समझौनी प्यार से, इतना समझौनी ठोके के पड़ गए सारा के। सारा बहुत परेशान लग रहा है, क्या बात है? अरे परेशानी, अरे रामकृपाल बाबू का समझावत समझावत हमारे प्राण सूख गए। का भैल काम के? हमारा से धीरे बोल करो। धीरे? अरे काम के सेटिंग होता थे, ये डालडा किने के बड़े गनी मार्केट से ले गए नी चॉकलेट थे वो। आप का बुझले हमने के भाग गए का? अरे भाग कैसे जाइबा लोग, एक बार जे राम बाबू से मिल लेला तो वो मर तो सकेला, लेकिन भाग ना सकेला। का है कि लेलन ता हिसाब ना करस, आ लेलन तो लिहाजो ना करस, ध्यान रखिए ये बात। अच्छा चला था नहीं ये हड़कावत तो लगा रहे हमने के? हड़कावत नहीं के, मामला बड़ा सीरियस बा, तानापुर छोड़े के पड़ी। कहा किस्मत में लेढ़ा घुसल बा, का मर्द हमेशा किस्मत के दोष देला जाए? कुछ सोचा जा, कुछ करे के सोचा। सोचा का पटना छोड़ देवे के? अरे तू हमेशा जगह छोड़ के बात कहे कर ले, हैं गांव छोड़ के आगे नहीं जा, यहां वहां यहां से दानापुर, दानापुर छोड़ के पटना आगे नहीं जा, अब का भारत भ्रमण पे निकल बन जा। भारत भ्रमण ना तो पटना में तो कुछ नहीं के भेटायला, देख ले पटना में कम से कम अपन तो कुछ लोग बा। तो कल सुमन के फोन आयल रहल। ला सुना। ओ तो सुमनी के चक्कर में तू गली गली के खाक छानबा, बाकी पटना मत छोड़ी हो। मारब चार हुरा ना बुझबुझी फेंक देबा जा, सफल है सर रे, दिमाग लागल बा कहावा अली जी, वो सुन कहावा बिस्कुटों पर हड़ताल बा क्या? ला एक बात बोली का? इतना टेंशन से तो बढ़िया बड़े के हमनी के राम कृपलवे के ज्वाइन कर देबे। पहला बेर मुन्ना पढ़े तार दिमाग चलल बा आगिल, लेकिन एगो बात बतावो, जब ये करे के बा तो राम कृपाल के छौ गो गोड़ बा। ठीक बोले, ये काम हमनी के खुद कर सकनी। तो केहू बा दिमाग में केकरा के उठाओ जी? अरे हो कैसे लगे जो सुमनी से मिले जानी जा, एक आदमी आवे लनु रोज नया नया गाड़ी बदल के एकदम टिप टाप चकास। ये गलत बा मुन्ना, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम अब किडनैप करोगे तुम लोग? तुम पढ़ लिखने के बाद अब किडनैप करने की सोच रहे हो? यही सब सीख रहे थे तुम और इसलिए मेरे साथ थे है? अब ये सब करना है हम लोगों को? किडनैप करने की बात कर रहे हो? अरे छोड़ो यार, क्या मतलब है तुम्हारा? ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये सब नहीं करना है हमको। ये नहीं करना है, ये सब नहीं करना है मुन्ना। अच्छा किडनैप, किडनैप नहीं करना है यार। शांत रहो तू, शांत रहो तू। अरे मजाक भी नहीं कर सकते हमने के, मजाक करते नहीं है यार। बढ़िया, चल बाय बाय।
आए है। अरे अरे क्यों रुको, हमारे पैर लेके भागा। अरे चोर पकड़ा पकड़ा चोर। अरे अरे बैग लेके भाग गया। अच्छा चिंता मत कर हमारी ना। अरे क्या हो चढ़े मंदिर का होता है हाथ हल बाबा। अरे इतना बड़ा कमजोर छो निकल रहे। चिंता मत करी आ गई। हाँ भैया जमाना बड़ी खराब बा, बैग वैग के बहुत ध्यान रखे के चाहिए। चली पकड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भगवान की दया है। गाड़ी बा आजकल के जमाने में ऐसे ईमानदार में कहाँ मिलते हैं भैया। सारे पेपर हैं, सब कुछ है, इसमें तो सारी हमारी जिंदगी की पूंजी है। हमारा हाथ में भी ऐसा बैग हो के बंदा परवरदिगार ऐसा दिन लाए, हमें मौका मिले तो आपकी खातिर संसार की सारी खुशियां छीन लाए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया 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 कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं हम तो राजेंद्र नगर जाएं। सर मैं राजेंद्र नगर का ही रहने वाला हूँ, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। बात करते नहीं, हर तब हम चल जाए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप तो बहुत बहुत मेहरबानी। बैठा भैया बैठा। असल में हम गाड़ी में बैठे तो कुछ गड़बड़ हो जाए हमारा संगी। कुछ गड़बड़ ना हो, हम वहाँ छोड़ दें। बैठा प्लीज। आइए। अरे बड़ा गमकत है जी, बड़ा गद्दीदार सीट वाले की भगवान की दया है। भैया हो भैया गड़बड़ तो हो गए। एक भैया तो क्या बात, तुहार अपहरण हो गया। हम तो से कह रही ना कि हम जो गाड़ी में बैठी ना तो भैया तुझे गड़बड़ आ जाला। सीधे गाड़ी चलावत रहो नहीं तो कबो घोड़ा तब सके। काबे गाड़ी भैया। अरे बड़ा, अरे साला गाड़ी चलावत रहो, गाड़ी चलावत रहो तो गाड़ी रुकी ना तो मार। पैरों नमस्ते। नमस्ते, आओ बैठ जा। डिंगड़ा का डिंगड़ा दिमाग लगा के पड़ा। चल अबे तेज चल साला, कहीं कहीं तो पीछा से एक बार रिला जी। तोरा से हमनी के कोनो दुश्मनी नहीं की, उल्टे तोरा से हमनी के दोस्ती बा। हमनी के दोनों आदमी ग्रेजुएट वाली जाए, लेकिन साला ये देश में हमनी के खातिर कोनो काम नहीं की। हमनी खातिर कोनो काम नहीं के बिना घूस दिए ले। ऐसे हमनी के अपन बिजनेस शुरू के लिए बनी जा, अपहरण के बिजनेस। हमनी सन के बस पैसा चाहिए। पैसा कितना पैसा चाहिए? 40 लाख। अरे मिल जाए भैया, 40 का है। हमारे बाबूजी का बुलाओ, हमारे बाबूजी का फोन करना भैया। आ बकतारा, बेटे का अपहरण। सर पूरे प्रदेश में जितने भी किडनैपर्स हैं उनमें से किसी ने भी ये अपहरण नहीं किया है। तो फिर क्या जमीन खा गई या आसमान निकल गया सुनील बाबू को? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। सर हम तो ये बात पूरे यकीन से कह सकते हैं कि राम कृपाल की सह के बिना यह अपहरण हो ही नहीं सकता। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे सुनील बाबू का पता चाहिए। और ये मत भूलिए कि ये मामूली अपहरण नहीं है, मंत्री जी के बेटे का केस है। एंड वी मस्ट जस्ट प्रूव विद इन 24 आवर्स। अंडरस्टैंड सर? नहीं नहीं, हमें कुछ मालूम नहीं। म्यूचुअल। अरे भाई ये अपहरण में हमारा हाथ नहीं थे। सर चैनल से फोन है। अरे हम कितनी बार कहीं कि ये अपहरण में हमारा हाथ नहीं थे। पटना में अपहरण और राम कृपाल के मालूम नहीं, ये कहां से नया अपहरण करता पैदा हो गया? हमरा का लगा था कि चल जाके फौरन पता लगावा। हमने के आज ही मालूम होके के चाहिए कि मंत्री के बेटा का अपहरण कौन कैलस। जो जी जी जो सब हमारे जंगल में नया सेब कहां से पैदा हो गई। बहुत मिला परेशान हुई है सन के अपहरण के जंगल में नया शेर कहां से आ गया।
सोच यार अपहरण करके रखे में भी बड़ा खतरा बा। निगरानी करो, खाना खिलाओ, जाला टपका दे तो ज्यादा अच्छा बा इंतजार के ले। भैया बाबूजी से कुछ, बाबूजी से बात पहले भैया। साला ये कनियों के काले करे के रहे, जैसे लागत है कि काल अपहरण के मुहूर्त रहे। का हो गेल रे? अरे हम निकाले करे के उठावनी सन। का भइल? आओ न तले कोनो होम मिनिस्टर के बेटे के किडनैप कर ले। हमई हमई है भैया, होम मिनिस्टर के लड़का। हमें होम मिनिस्टर के बेटा भैया। है ना के भैया, गलती कहीं से भी हो जा सकेला। अब तो सबे का तो मालूम नहीं रहा कि हम होम मिनिस्टर के लड़का ही, लेकिन अब जौन रहो सो भाई, हम के उसे कहा ना कि हम हमका क्या किडनैप किया रहा, हम कहाँ रहे। नहीं तो होम मिनिस्टर के बेटे का अपहरण करे का परिणाम बुरा हो सकेला ना भैया। नौ गो मंत्री के बेटा के पकड़ के अब 5-5 करोड़ रुपया वसूल लेनी जा। ए छाछा करो, हिसाब नहीं रखल जाला। अब कहियो प्रधानमंत्री के बेटा के भी उठा लेनी जा ना, तब पैसा वसूल कर लेल जाए। 10 करोड़। अरे तो कमाल भइल बा, होम मिनिस्टर की लड़का का अपहरण हो गइल बा। ठीक भइल बा, अरे अब तो कम से कम सरकार की आँख खुली। जब अपने पे पड़ल तो कैसन छटपटी मचल बा। हाँ ठीक कहला। बतावा भैया, जहानाबाद में 40 आदमी के खून हो गई, तैयो अभी तक सरकार के नींद नहीं टूटल। का बोली? आप बुझाई। हमारा तो काम तोहरे आला उदल के लागत है जी। मंत्री का बेटा उन्हीं के पास है, तू जल्दी जाके पता लगावा। अगर उस आला कुछ गड़बड़ करे ना तो करा खत्म कर डाला। मुना, मुना, मुना। का होगी? रोहित रोहित की? रोहित का मर्डर हो गई। पुलिया पुलिस था, पुलिस लाश का पंचनामा कर दिया। मर्डर? देख गलत बात मत कर, तू झूठ बोलता है ना। नामुना, नामुना मार दे ला सन, नहीं छोड़ा कुछ की, नहीं छोड़ा ना, नहीं छोड़ा हम, नहीं छोड़ा बोली के हम पागल हैं। छोड़ा राखी नामुना, नामुना पागल मत बना। अब ये आदमी का हम अपनी आंख से देख लेंगे। होम मिनिस्टर के बेटा के अपहरण करे में यू रहे और एकर दुगो साथी और रहे, जेके हम देखते पहचान जाए। देखते हैं ये सब लोग साला मार काट में लगा रहे हैं, कुछ काम है नहीं। तोरा से कम दुख हमरो नहीं है मुन्ना, लेकिन हमने के दुख भुला के कुछ सोचे के पड़ी, न तो हमनियों के उहे हाल हो। अरे यार बात कहने के समझो, वो मर्डर कहले बा, वो चोरी या पॉकेट मारी नहीं है कहले। इंडिया में भारत के पुलिस पकड़ी तो का बोटी बोटी का डाली, ओके लंदन भेजे ही के पड़ी। अरे लंदन में भाई भारत के कानून ना काम करेला, वो जब भारत के पुलिस कुछ ना कर सकेले। देखा
तू पटना होके भेज, हम लंदन जाए खातिर सारा होकर वीजा पासपोर्ट सब तैयार कर ले बनी। हमरा ज्यादा बात करे के फोन पे कौन उन्हीं के हमरा बहुत खतरा बटे, ओके जल्दी भेज तू बुझला। अब की जौन हम कहते हैं तौन कहल कर, चला सुमन की है। तू लोग चिंता जीन करो, पहले ये बतावा कि प्रॉब्लम का बा। अब देखा इनकर चाचा रहे लंदन में बहुत बड़ बिजनेस में, मैंने बहुत बड़ का बिजनेस में, काल सांझ के उनकर हार्ट अटैक हो गया, मर गए ले। उनका बाल बच्चा कोई नहीं रहा, नहीं एगो बेटी रहा ली। सब बेटी तो आग दी ही नहीं, अब समस्या बैठे की लाश धैल बात जाई जा कोई से हमनी के नामनी के पास पासपोर्ट बाटे न वीसा बाटे। ये तो बहुत सीरियस मैटर बा। अब हमार भैया विदेश मंत्रालय में ऑफिसर बाड़न, वो कुछ काम कर सकी ले का? विदेश मंत्रालय में ऑफिसर? अरे ऊ चाह तो दो दिन में काम हो जाए हमनी के। दो दिन? ऊ चाह तो दो घंटा में हो जाए। हाँ दो, सही कहता हूँ, दो घंटा में हो सकेला। अच्छा और क्या है? एक मिनट। भैया प्रणाम। ठीक बा भैया। भैया दूगो अर्जेंट पासपोर्ट चाही। काहे खातिर दूगो अर्जेंट चाही? भैया वो लंदन के वीजा संगे। अच्छा? हाँ। अच्छा तो वो ऐसे पासपोर्ट ना मिलेगा बेटा? भैया हम कुछ नहीं के जाने। लेकर पासपोर्ट? भैया वो हमारे कॉलेज के दोस्त हैं। अरे बेटा ऐसे ना तो कुछ जाने लू। भैया हम कुछ नहीं के जाने, आपके काम करे के पड़ी। अच्छा ठीक बा, पासपोर्ट है ना चाहिए? हाँ भैया। अच्छा तो रही दिल्ली भेजे पूरी आज भेज सके लो ना? हाँ हाँ भैया। अच्छा ठीक बा भेजा। ठीक बा भैया, थैंक यू। प्रणाम भैया। दो लोगन के काम हो गए। अच्छा सुमन हमने की तुहार एहसान कब वो नहीं बुला सके लीजिए। मोहित जरा देखा ड्राइवर कहाँ है? हाँ, गाड़ी देखा था ना। हाँ। कब उन्हें बुला सके नहीं जा? ये एहसान नहीं, हमार भैया हमार बात कब ना टाल सकेला, और हम तोहार। I love you सुमन। हम हूँ सुमन, हम समझते हैं सब समझते हैं। अरे आबा लोग जल्दी चला। समय बहुत कम बा, भैया कहले बाड़े कि दिल्ली आज ही जाए के पड़ी। चलो ठीक कहाँ रह गए? चल चल जल्दी बैठो, मत जल्दी बैठो। मुन्ना मुन्ना कहाँ भाई? मैडम सुमन जी आप ही हैं जी? अपहरण अफरा तफरी के मामला देख के आपके भाई साहब दो गार्ड भेजे, उन्हें मैं छोड़ने के लिए आया हूँ। नहीं नहीं मैडम मेरी बात समझिए, आप जहाँ भी जाएंगे ना आपके साथ दो गार्ड साथ में जाएंगे। ठीक बा। हाँ। अगर हमकी जरूरत हो तो हम बुला लें। नहीं नहीं हाँ। जरूरत बटे ना, आप गाड़ी पीछे पीछे लगा लें। अरे ठीक, माहौल बहुत खराब है, चलो बेटा आओ चलो पीछे पीछे लगा ले जा। चलो बैग करिए, थोड़ा सा बैग गाड़ी निकल जाए। बहुत टाइम हो गया, मुझे तो लगता है शायद वो इंडिया से निकले ही नहीं। वो देखिए ना सर, दो लोग आ रहे हैं, कहीं ये महेंद्र सिंह के भतीजे तो नहीं है? हमें तो यही लगते हैं। हाँ हाँ यही है, ऐसा करो तुम उनका सामान ले लो और चलो। लाई दीजिए ना बैग हमको। अरे क्या करते हो भाई? बैग क्या छीन रहे हो? हम बैग थोड़ी ना छीन रहे हैं, हम आपके चाचा जी के ड्राइवर हैं, महेंद्र प्रताप सिंह जी के। महेंद्र प्रताप सिंह जी? मैं आपके चाचा जी की कंपनी का मैनेजर हूँ और ये उनका ड्राइवर है। सामान ले लो आप, चलो आप चलो। आइए सर आइए। का हो मुन्ना भैया, वहाँ तो झूठों के चाचा के मर रहा, यहाँ तो साँचो के मर गई हो, का सोचता रहा? इस समय समझ के बाहर बुझे तटे हो। अरे कौनो बात नहीं है, आओ चले जौन होई देखल जाए। आइए ना सर। हाँ हाँ क्या सोच रहे हैं? परेशान मत होइए, बाकी मैं आपको रास्ते में सब समझा दूंगा, आइए। हाँ चलो जौन होई देखल जाए। आ
आइए सर आइए। कहाँ आगे नहीं जा रही, बड़ा पैसा वाला लगा था सोन। हम तो गाड़ी देख के अंदाज लगा ले रहे हैं। अच्छा बंगला देखा तारा, चार पाँच करोड़ से कम के ना हुई। अच्छा चाहे कौनो बात ना, तुम्हें एड्रेस में भारत के प्रधानमंत्री से कम निकल लगा। सर जी जी आइए प्लीज, अंदर आइए प्लीज। हाँ चलो चलो। ये प्रिया है डॉक्टर साहब, ये हैं महेंद्र जी के नेफ्यूज, इंडिया से आए हुए। जी नमस्ते। हेलो यंगमैन, सफर कैसा रहा आपका? अरे कैसा हूँ जान बचा के भागल बनी सुन जी। अरे मतलब कि लंदन पहली बार बनी है ना, तो अयला के बाद जो एयरपोर्ट पर नहीं कुल पूछताछ का इमिग्रेशन होकरा में से बोला था कि जान बचा गया। ये दवाइयाँ मंगवा लीजिए, मैं एक दो दिन में दोबारा आकर चेक कर लूंगा। थैंक यू सर। ओके टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू डॉक्टर। वैसे मैनेजर साहब इनके परेशानी क्या बा? इस फूल से बच्चे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। माँ के एक्सीडेंट के बाद ये ना चलती है ना फिरती है, ना मुस्कुराती है ना बोलती है। पहले तो ये कुछ खा पी लेती थी, लेकिन महेंद्र जी के एक्सीडेंट के बाद कुछ खा पी नहीं रही है सर, अब तो ये जिंदा लाश बनकर रह गई है। अरे तो हमने के टाइम से पहले बताने के चाहत रहे ना सर, हमें कोई जानकारी नहीं थी पहले। इधर उधर पेपर पढ़ने के बाद आप लोगों का एड्रेस मिला सर, मुझे आप लोगों का नाम तक नहीं पता था। अरे तो आप जान लो, हमारा नाम मोहित, आई हम मुन्ना। थैंक यू। आइए मैं आप लोगों का रूम दिखाता हूँ, आप लोग आराम कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, आइए। चला हो। मुख्यमंत्री जी का फोन है। हाँ भाई जी। भाई जी कुछ पता नहीं चला, कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक बात जान ली कि अगर हमरे बेटा के कुछ हो गई तो हम राम कृपाल के जिंदा ना छोड़ा, जिंदा ना छोड़ा। हमने के किस्मत में का लिखल बारी? अब अतने ज्योतिष जानती तो जाके सद्दाम हुसैन के ना बता देते कि भाग जाओ तर से धरे। नहीं मर्दे, माने कि देखा 10 दिन में हमनी के जिंदगी कितना मोड़ के दर्शन करौलस। आया जहां हमनी के एक कमरा में सुतल बनी जाए, पता नहीं कब भेद खुल जाए। अब फिर लाज जूता पड़ी। हमेशा निगेटिव कहे सोचत रहेला, यो कुल माई बाप का आशीर्वाद से मिलेला। माई बाप, माई के तो मर्दे पता भी नहीं हुई कि होकर बेटा है घरी कहाँ बटे कौने हालत में बा। कुसुमी के सोचा ऐसन बहन ऐसन माई का पता होनी के कहाँ बनी जा हमनी के। सुमन के काल हुई। अरे कैसा बजा रे? बड़ी ना कहाँ चल गुरु लोहा है? मैं बेबी के लिए दवाई ले निकली गई। अरे क्या मेडिसिन है? थोड़ा ध्यान देने चाहिए हमेशा। सॉरी सर। कोनी बात के तरका खाता हूँ तू लोग। सॉरी सॉरी सर। सॉरी सॉरी अब तू तनी हने आवा। ध्यान रखा तेरे साथ। ठीक है। आवा है मैं। तनी कम बहादुर बनो। चढ़ चढ़ के जात रहा हो। देख रहा होकर छुड़ा। हत्या चकर रहा। अंग्रेजी छुड़ा रहा। हम मार दी ना लाद में। तो लाश लोग खोजते रह जाए इंडिया में। मिलित लंदन में जानी उखाड़ी तुम्हारे उना वो मारल चाहत रहा। का नाम लिखिया के? प्रिया। हाँ प्रिया के, प्रिया के मारल चाहत रहा साला। भैया
वो कहीं मैनेजरवा तो न रहे? हो सकता कि महेंद्र सिंह के दौलत हथियावे खातिर वो ऐसा साजिश कर सकता। अरे लेकिन नहीं रे ससुरा, अगर ओकरा ऐसा करे के रही तो फिर वो महेंद्र सिंह के भतीजन के है काहे बुला लिया? यह सस्पेंस तो हमरा भेजा में नहीं समाज, लेकिन खतरा बा। खतरा बानू? पर वे खतरा तो बोट नहीं बा। हाली है जैसे मुना भैया चलो, ये जगह छोड़ा जल्दी। कहाँ चलो जाई? अरे कहीं चलो जाई, चल के लंदन में झाड़ू लगाओ जाई, गांव से जाके देखे नहीं खेलू आवो। तो क्या लगा था कि लंदन के सड़क झाड़ू लगाओ लग बैठती है? अरे भैया तो प्लास्टिकवा में खा के कुल फेंके ले सब साफ कर जाई, बाकी ये जैसे चलो। हाँ हंस जान हमारे प्राण सुखल बा तू हंस तार। अच्छा अब तो हुई है वही जो राम रच रखा, रात भर सुता अब सवेरे जिंगो से फरारी हुई, जवन हुई देखा जाए। चलो सुते आओ, बवाल तो बिहार में हुई बच्चवा। राम कृपाल के बारे में सफाई देला के कौनो जरूरत नहीं है, ओके जोन करे के रहल कैलस, अब हम के जोन करे के हाँ हम करके रहा। भाई साहब हमरा और हाथ जोड़ता नहीं, सुनील बेटा के अपहरण का इल्जाम हमारा पर ना लगाए। राम कृपाल भाई साहब देखे हम अच्छी तरह जानत हैं कि आज हम जे कुछ है जहां भी है ये सब राउर बदौलत है, हम राउर साथ नमक हरामी कैसे कर सकते हैं? राम कृपाल हमके कोनो हालत में हमार बेटा चाहिए, वरना तू पार्टी और पद दोनों से हाथ धो बैठ पा। याद रखा अगर हम कौनो आदमी के ऊंचा उठा सकीला ठोकरा के उखाड़ कर फेंक भी सकीला। जानत है भाई साहब बहुत अच्छी तरह जानत है, हम तो राउर के एहसान के नीचे दबल है। भाई साहब एक दूसरे पर इल्जाम लगौले के बजाय अगर हम दोनों जन मिल के अपन पूरा ताकत सुनील बेटा के ढूंढे में लगा दे तो हमने के कामयाबी जल्दी मिली। फोन सिवान से, फोन सिवान से फोन। हेलो हेलो, हम राम कृपाल बोलत है। रामकृपाल जी नमस्कार, का होता है सर? नमस्ते नमस्ते एमएमएमपी साहब नमस्ते, वो का है कि हम साहब के घरे पर हैं और हम उनके बतावत हैं कि हमें हमारा कोनो दोष नहीं है और हमें हम पूरी ताकत लगा दे ले हैं, ये प्रदेश का कोना कोना चप्पा चप्पा छानने में हमारा पूरा फोर्स लग गई बा साहब। देखा रामकृपाल बाबू हमार बात ध्यान से सुना, भाई साहब का कोनो तकलीफ है ना तो बुझा के जी जी लोगन का तकलीफ हो। जी 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 आप हमारा पर यकीन करी कि बहुत जल्दी सुनील बेटा आ जाए हैं। ठीक बा जी, नमस्ते नमस्ते जी। सुनील बाबू आ गए, सुनील बाबू आ गए, सुनील बाबू। अरे बेटा बाबूजी कहाँ रहला तू बेटा, कहाँ रहला बाबूजी? तुम्हारी हालत कौन कहला बेटा, बतावा बतावा। वो कौन लोग रहे बेटा? बाबूजी वो बहुत ज्यादा खतरनाक रहे, एक लंबे जैसा मूछे रहे हाँ। और दूसरा बकलोल जैसे छोटे भैया, छह सात दिन तो हमको ऐसे बांध के रखे रहे कि हम सोचे कि हम कहाँ जाएं, एक दिन देखा तो कुंडी खुली रही और हम वहां से भाग निकले। और सुनील बेटा तू भाई साहब के बता दे कि मैं हमारा कोई दोष है का? नहीं बाबूजी ये मैं चाचा जी का कोनो कसूर नहीं, बहुत बहुत खतरनाक रहे और बड़े डेंजरस रहे भैया। राम कृपाल भैया हमके माफ कर दा, बेटा के प्यार और जुदाई हमारा के पागल कर देलस। भाई साहब हमारा के शर्मिंदा मत करें, हम अच्छी तरह समझत है, अब हम उनकर ए जमीन पर सांस लेहल मुश्किल कर दे, ऐसा स्थिति करब कि सारे देश का पुलिस कुत्तन के तरह करे पीछे। सर सर जल्दी जल्दी आइए, देखिए बेबी को क्या हो रहा है, जल्दी। क्या भाई? आइए जल्दी आइए, देखिए आज तक बेबी का कोई रिएक्शन नहीं था, आज पहली बार उसका आंसू आया है। शी इज वेरी हैप्पी, ये आपसे थैंक यू बोलना चाहती है। बैठिए ना सर। जस पियाबू
दर्द हमरा समझ में नहीं आवत मोहित कि क्या कर जाओ। अब ढेर सोचला के काम नहीं खे, ये कुल झंझट से निकल चले के हमनी के। लेकिन मर्द एक बात सोच, क्यों भले बोल नहीं खे सकत, भले हिल डुल नहीं खे सकत, लेकिन ऐसा लागत रहे कि वो कहत रहे कि हमनी के मत जाए कि हमनी के रुक जाए कि हो। अरे कुल माया जाल तू रह बुझला, दिन पर दिन रोज कोनो न कोनो नया फसाद में फसल चल जाता है, तैजा से तू चल। लेकिन देखो मर्दे, हमने के हिंदुस्तान के हई जा आ ऐसा असहाय स्थिति में छोड़ के हमने के भाग जाए के चाहिए। का ऐसा नहीं लगी कि लोग कहे कि हिंदुस्तान के आदमी कायर बने और छोड़ के चल गई ना? का कहता रह, का चाहता रह? हमने के नहीं जेल जी, हमने के जैसे भी मोहित ना ओकरा के सहायता कर जी और कुछ ना कुछ निर्णय कह के तो जाए जी। मैं आपको आपका केबिन दिखा देता हूँ, आइए सर। किस तो बड़ा शानदार बा सर, वो भी बहुत शानदार आदमी थे। मैनेजर साहब, आप हमनी के बताए कि हमनी के चाचा कैसा आदमी रहे। आई एम सॉरी सर। सर ये वो कुर्सी है जहाँ साहब बैठ के सारी फॉर्मेलिटीज किया करते थे। सर अब तो सारी जिम्मेदारी आपको ही संभालनी होगी। हम के? हाँ सर, आप तो जानते ही हैं प्रिया बेटी ने। आप चिंता जन करी, सब संभाल जाए। चला कुर्सिया बैठा ना। अरे बैठा ना, चला सुना, सिचुएशन समझल करो। कबो कबो कब ले मैनेजर साहब के रोई बेचारा के। सर हमारे साहब चाहते थे कि लंदन मेट्रो ब्रिज का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को ही मिले। तो मिली ना, प्रॉब्लम कहाँ ठोकरा में? सर हमारी कंपनी का विरोधी है एक अंडरवर्ल्ड माफिया। हमके तो लागत था कि हमनी के जिंदगी के उल्टा गिनती शुरू हो गई। तू झूठे डेरात रहेला, कबो कबो हिम्मत भी बढ़ावल करो। अरे अंडरवर्ल्ड के डान हमें लोग तका चार को हाथ गोड़ हो गिल बैठे, बबर थिर बा का लोग खा जाई हमनी के। तू मौत के कुआं से पानी निकाले कोशिश मत कर, अंडरवर्ल्ड माफिया से टकराई के औकात बा हमनी के। आ दूसरे वो मुसीबत बड़े सन महेंद्र सिंह के भतीजावा। ए मोहित आजम, अब तो मेट्रो के कॉन्ट्रैक्ट लिए ही बेकरी, वो चाहे अंडरवर्ल्ड के डान आवे आ चाहे ओसामा बिन लादेन आवे। मिलेगा, हमें ही मिलेगा। महेंद्र प्रताप तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, उसकी एक बेटी है वो भी जिंदा लाश है। लेकिन भैया। लेकिन नहीं, अबू काबिल के जिंदगी में लेकिन जैसा कोई अल्फाज नहीं है। तुम जानते हो क्यों? ये जो सालम मेरा भेजा है ना, ये कभी चैन से नहीं बैठता। तुम हिंदुस्तान से आने वाले उसके दो भतीजों की बात कर रहे हो ना? लेकिन लेकिन भैया वो यहाँ लंदन आए वाले बाटे। फिक्र मत करो, वो लंदन कभी नहीं पहुंचेंगे। वो कभी? क्योंकि उन दोनों को मैंने इंडिया में ही किडनैप करवा दिया। वाह वाह भाई वाह, मान गए तुम्हारे दिमाग के का आपके ताकत है, मान गए नहीं। वाह भाई वाह, ये खुशी में था आज रात के जश्न होवे के चाहिए। I'll be your ram and mammal chef. I'll be your number five second. You say that be your chef. Bahia me kaslo, othava ke raslo. Bahia me kaslo, othava ke raslo. Chahe Oh
बहिया में कस लो उठा बाके रस लो चाहे हमके उठा लो तुमको राहो चाहे हमके उठा लो तुमको राहो लोहा गरम बा मार दा थोड़ा 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 Our company is well very well known company In Britain, we are doing lot of big project with British company. जब से महेंद्र प्रताप सिंह जी has died, his company is collapsed in Vilayan. That this project should be going us. That's all. Thanks, Mr. Joseph. Thank you. Now Mahendra Pratap, group of company. Yes, I'm ready. Do you have any experience? May I speak in Hindi? Bolo. सर सबसे पहले मैं जोसेफ साहब की बात का खंडन करना चाहता हूँ हमारी कंपनी कोलैप्स नहीं हुई है महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज इज नॉट कोलैप्स्ड इट्स रनिंग अच्छी तरह चल रही है हमने दुनिया भर में बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं लेकिन जहाँ तक स्पेशल एक्सपीरियंस का सवाल है तो वो है मेरा बिहार का हिंदुस्तान में बिहार का एक हाजीपुर सेतु जो पटना और हाजीपुर के बीच बना हुआ है उसका नाम महात्मा गांधी सेतु भी है जो पिछले 25 वर्षों से बिना मेंटेनेंस के निर्बाध गति से काम कर रहा है What? How this is possible? बिहार में कहा सर 5,000 से ज्यादा गाड़ियां रोज गुजरती हैं जिनमें बड़े बड़े ट्रक भी शामिल हैं। अगर ये सच है कि दुनिया का आठवां आश्चर्य है द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड सर आपने लालू यादव का नाम सुना है Yes, the Chief Minister of बिहार आप लंदन में हो के लालू यादव का नाम जानते हैं क्यों Because he is so popular, he is very popular. Public उनको बार-बार चुनाव जिता के मुख्यमंत्री बनाते हैं। इसलिए क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी में हमारा भी योगदान है। हमने उनके लिए कुछ ऐसे काम किए हैं, जिसके ऊपर जनता उनके पर भरोसा करती है। And our performance in United Kingdom, you know very well. So, sir, this contract should be given to us, Mahendra Pratap Singh Group and Company. That's all. This contract goes to Mohinder Pratap Singh Group of Company. Yes! Gadda ke andar aao. Great day, great day, Mohit, great day. Aaj BBC London mein news de de ki Metro London ke theeka Mahender Pratap Singh and Sons ke mil gaye. A chief karyapalak adhikari Munna Pratap Singh. मान गए उस्ताद मुन्ना जी ने जो आज कर दिखाया वो शायद सहाय जी भी इतनी आसानी से ना कर पाते प्रिया आज के जमाने में भतीजे भी इतना अपने हो सकते हैं इसकी मुझे कल्पना नहीं थी इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है अब हमारी कंपनी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता अंडरवर्ल्ड के लोग भी नहीं मैं इसको गार्डन में घुमा के लाता हूँ जी सर मैं बहुत खुश हूँ प्रिया तारीफ सुन के ढेर उछलना काम नहीं है सापे के बिल में हाथ डाल देले बड़ा क्या मतलब मतलब इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लो कुल अंडरवर्ल्ड के माफिया लग रहे हैं तेरा अंडरवर्ल्ड की ऐसी की तैसी अरे सबका जाने के चाहिए कि मुन्ना पांडे का अरे मुन्ना प्रताप सिंह का चीज बाटे यू डोंट नो व्हाट आई एम आई विल डू दैट द होल इंडिया नोबडी कैन डू दिस ओके फॉलो मी गदा कहीं का भाई हम तो बर्बाद हो गए नहीं क्यों कोई कयामत आ गई क्या भाई वो कॉन्ट्रैक्ट तो महेंद्र प्रताप सिंह कंपनी के मिल गए क्या महेंद्र नाथ की कंपनी को क्यों महेंद्र नाथ क्या कब्र से उठकर आए कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए लेकिन उनका मैनेजर न जाने कहां से दोनों भतीजन के उठा के ले आई कौन से भतीजे भाई वो इंडिया से दोनों भतीजे आए हैं और उन्होंने ऐसी लच्छेदार बातें सुनाई कि बस प्रभावित किया और उनको सारा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया आपका कहले रानी क्यों भतीजा ये नहीं बाकी उतार गई ने पहली बार किसी ने अबू कामिल को चुनौती देने की हिम्मत की है सलमान जी भाई मैं महेंद्र प्रताप के इन आसमान से टपके हुए भतीजों को देखना चाहता हूँ यार यूपी के दिमाग लगी मोहित हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ चले ओ मैम
Hey, this is an Indian flag. What? No. What a band. Okay, you go. Give me, please. Then, what a band. Don't talk about it. Let's go. Oh, how the cash like a man. Oh, come on. भैया तार बहुत बहुत धन्यवाद खबरदार साला जान ले तो के कुछ कहने से तो जान ले लेते तो ये कुछ नहीं क्या बताऊ कहा You don't know. कुछ नहीं खेल तू ए झंडा खातिर लोग अपन घर परिवार भुला जाला ए झंडा के नीचे अपन आदमी जात धर्म भुला जाला खून के होली खेल जाला आई झंडा ए झंडा खातिर करोड़ लोग अपन जान दे दहलस ए झंडा खातिर न जाने कितने लोग जेल में चक्की पीसत मर गई ए झंडा खातिर न जाने कितने लोग आज भी जान देवे खातिर तैयार बा ए झंडा के नीचे कोई बिहारी पंजाबी राजस्थानी मराठी नहीं होला ए झंडा के नीचे खाली हिंदुस्तान खड़ा रहेला ये खाली झंडा नहीं पूरा हिंदुस्तान है हिंदुस्तान रे पूरा हिंदुस्तान तू कुछ नहीं खे जाना तोर बाप जाना थे झंडा के बारे में दोबारा कभी कुछ बोले झंडा खातिर तो तुर जान लेगी नेवर इंसल्ट दिस फ्लैग खत्म कर तू जानत नहीं है तू का कहला नेवर इंसल्ट झंडा है नेशनल फ्लैग है ओकर पान बहुत बुरा होला हिंदुस्तानी लोग के बुरा मानेला जा जा झगड़ा करे तो कोनो फायदा नहीं आई एम सॉरी यू की ओर से हम माफी मांगते हैं नेवर इंसल्ट दिस फ्लैग सॉरी बड़ा पंगा बात आदमी बड़ा यार झगड़ा किन चलता रहो हां तो लेकिन वो लोग के खूब धुआई बोलो वो लोग मुझसे हो जाए इंडियन से भेज दो ये मुन्ना पारे दिया बोले आप लोग अरे अरे भाई अच्छा तो ये है वो दो कबूतर जिन्होंने मेरे रास्ते में आने की हिम्मत की है मैं साला अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह जिसे हिंदुस्तान की नहीं सारी दुनिया की पुलिस ढूंढ रही है उससे मुकाबला तुम करोगे कौन हो तुम लोग देखिए भाई साहब ये ठीक बात बाटे कि आपके पास बहुत ताकत बाटे लेकिन जैसे आप हमनी के उठवा के बुलवा लेनी ये तो बहुत बड़ा क्राइम बाटे ना आप जानते नहीं किडनैपिंग बहुत बड़ा क्राइम होला वो चाहे इंडिया में होके चाहे लंदन में होके ए चुप रे जितना पूछा उतना ही जवाब दे कौन हो तुम लोग जब आप हमनी कैसे उठवा के बुलवा सके ना तो आपके अच्छी तरह मालूम बाड़े कि हमने के महेंद्र प्रताप सिंह जी के भतीजा बनी जी ये साले कवाले सुनाना बंद कर छे के छे भेजे में उतार दूंगा मेरा नाम अबू कामिल है जिसका नाम सुनकर अच्छे अच्छों को पसीना आ जाता है अबू भैया हैं अबू कामिल भैया आपके घर आजमगढ़ के पास बैठे न अरे भैया नाटक बंद कर अरे भैया कोनो नाटक नहीं अरे कोनो नाटक नहीं हमने जो कुछ महेंद्र प्रताप सिंह के घर के नहीं भैया एक मिनट बैठ जाइए आ भैया बैठ जाए तो सब समझाए थे चल उठ चू हाँ आज हमने की असली मंजिल पे आगे बढ़ी है भैया हमने के विश्वास करे अरे कैसन महेंद्र प्रताप सिंह के भतीजा हट उकाला के हमने की कुछ नहीं अरे हमनी के तो लंदन घूमे ली जा आ तो ले घूमे खातिर वीजा लगवावे खातिर कहीं जाके एकर चाचा मर गिल बाटे आ जैसे आई ली जा तो ले एयरपोर्ट के बाहर पता चलो कि चाचा सचहू के मर गिल बना आ कोई आके गले ले खड़ा बाटे
उबड़ियारी बैठा देले सब भीतर हमनी के बैठ गेली जे अब का करी जा कोनो सहारा नहीं रहे तखन जे चलो भाई हां हां खाए के सुते के मिली लेकिन भैया अब आप पक्का जान ली कि वो महेंद्र प्रताप सिंह के घर में राउर दू गो भाई तैनात पड़स आदेश करी का करे का ताकत नहीं अविश्वास करी अविश्वास सीखे तो लई गोली मार दी मार दी मार दी मार दी चलाई गोली पे चल जा ठीक बा हम समझ गए नहीं लेकिन अब हमार बात ध्यान से सुनिए एक बात भैया ये भौजी है क्या अरे हाँ पान लगे ले भौजी सॉरी प्रणाम अच्छा जाए दून का नहीं बुझा बाद में समझावल जाए हाँ भैया बोली क्या कहता महेंद्र प्रताप सिंह का सारा प्रॉपर्टी हमार बा बट नहीं बा केवल एक रोड़ा बा उनकर बेटी देख ई हवे पेट्रोल तो कोनो चीज पर रख के दिया सलाई मार दिया जाला तब फिर ओकरा जर के राख होके में तनिको टाइम ले लागेला और आज पर रख के वैसे ही जरा जैसे का वो देख ले सुनले हुए आदमी आग में कैसे जरेला तो हमने खातिन बहुत काल हो गेल बाटी बाधा बाड़ी बाधा अब तोरा के जला के हम तोरा सारी संपत्ति के मालिक बन जाए और ओकरे बाद तू ऐसन जरबी जैसे देखे कोनो कुड़िया चरेला बहुत तरह के टेंशन झेलने वाली है अब तू गैली काम से तो खत्म हमार बाधा भी खत्म आज के बाद न रही बांस न बजी बांसुरी न तू रही न हमने पकोनो टेंशन होई और तू नहीं रही तो ऊपर से बहुत फायदा हो देख कैसे आग तरह शरीर के चला के राह कर तू भाग तो सकेली नहीं और जरे के अलावा कोनो रास्ता नहीं इंतजार कर धीरे धीरे अपने बदन के चरला के समझ ली आग एक बार पकड़ी तो मनुष्य के शरीर के राख है फरिया क्या क्या हुआ प्रिया इतना परेशान क्यों है क्या बात है प्लीज बचा लीजिए नहीं मुन्ना तुम ये क्या कर रहे हो होश में आ मुन्ना अरे मुझे क्या दुश्मनी है चल भाग मुझे जाने दो मुझे जाने दो भाग के दिखाओ भाग के दिखाओ रुको मुन्ना मैं कहता हूँ रुको मैं गोली चला दूंगा मुन्ना मैनेजर गन डाउन मैं आखिरी बार कहता हूँ रुक जाओ नहीं तो मैं गोली चला दूंगा मैनेजर साहब ये आप क्या कर रहे हैं वो उसे मार देना चाहता है नहीं देखिए अपनी आंखों से देखिए प्रिया चल सकती है बोल सकती है दौड़ सकती है मेरे पैर प्रिया यस मैं चल सकती हूँ मैं बोल सकती हूँ और ये सब हम सबकी प्लानिंग की वजह से हुआ है And the credit goes to Munna. Munna, thank you so much. तुमने मुझे नया जीवन दिया है मुन्ना I am sorry. मैं अपना होश खो बैठा था Thank you very much, मुन्ना साहब शुक्र है क्या थैंक यू हाथ चक्का अंग्रेजी बंदूक लिया के तान दल बुझा था कि मंगल पांडे के मारे के बाद लागल रहत बोलिया तब आप लोग अंदर चलें हम कुछ आप लोगों से बात करना चाहता नहीं आओ प्रिया तो उनके असली भतीजे जो आने वाले थे वो कहाँ हैं हमने के नहीं के पता लेकिन हमने के वादा करता नहीं जाए कि हमने के पूरा प्रयास कर जाए कि महेंद्र प्रताप सिंह जी के असली भतीजे मिले और आप लोग के घर में आए लेकिन एक बात अब हमने के साफ साफ बोल देनी जा तो एक मतलब ही नहीं कि हमने के घर से बरिया दिया जा हमने के अभी लंदन में हमने के कुछ काम बांटे जो न खतरे आए बनी जाए तो कुछ दिन हमने के मोहलत मिले के चाहे कुछ दिन हमने के और यहाँ रहे देव जी
के बाद हमरा सामने कबो हाथ न जुड़ी हा। और हाँ, ई घर के भी आपन घर समझी हा। थैंक यू। ये कौन जगह हो? सर भारतीय दूतावास सर लंदन में, इसे कहते नागरिक शास्त्र पढ़ रहा हूँ। चला ओ मुन्ना, प्रणाम सर। आओ बैठो बैठो। मुन्ना, पिछले चार मोला ये कौन है? सर ये हमने के दूसरा साथी जी प्रणाम, पता नहीं ना मोहित। हाँ हमारे कंपनी में बाना। मुन्ना, तुमने पिछली चार मुलाकातों में जो जानकारी दी है उसके लिए भारत सरकार की ओर से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने सारी इंफॉर्मेशन सीबीआई को दे दी है। अंडरवर्ल्ड के लिए इस माफिया का पकड़ा जाना हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इस कार्य में तुम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। बट यू डोंट वेरी, डोंट वेरी मुन्ना, तुम्हारे हर कदम पर पुलिस तुम लोगों के साथ है। सर मरे के तो सबका बाटी, लेकिन देश खातिर मरे के सौभाग्य सबका नहीं प्राप्त होला। आजकल के बच्चों में भी देशभक्ति का जज्बा अच्छा लगता है। ई मिशन तो हम लोग के जिंदगी बदल दी। अरे भोजपुरी? सर आप भोजपुरी बोलता नहीं? अरे तो तू का समझत हुआ, तू सुन लेना ही हुआ। भाटपार, भटनी, नूनखार, चटनी, बड़ा मजेदार बा। अरे वे हमार घर बार बा। अरे बाप रे, दुनिया कितना छोट हो जाला। सर आज आपसे मिलके निश्चित रूप से बहुत बहुत अच्छा लगा। हमनी के का बोलल जा? अच्छा तो सर हमनी चलते नहीं जा, हमनी के मिशन काफी लंबा बाटी, फिर मुलाकात हो। जालो। अरे ये एम्बेसडर तरह से ऐसे बतियाओ तो कौन कोटी से दियो ले यार, बताओ ना तो हमारे हाथ खेल कर जाइए एकदम। मोहित भैया, आदमी के जिंदगी में एक के बार ऐसा चांस आवेला जब इतिहास में शामिल होके के द्वार खुल जाला, और हमरा खातिर वो टाइम आ गया जब हमरा सामने अब वो कामिल खड़ा रहे। तो हमरा चंद वरदाई के लाइन याद आ गई जो उन पृथ्वीराज चौहान जी खातिर लिखल गए, कि चार बांस 24 गज अष्टंगुल फरमान, ताही पर सुल्तान है मत चूको चौहान। और तब हमार बुद्धि काम करे लगा, भोजपुरी माटी के रक्त कर्तव्य याद दिलावे लगा, विचार कुछ वतन के खातिर करे के होगा। पकड़े हैं अबू कामिल, मोहित बाबू हिंदुस्तान में हमने की वही सही नाम हुई, जवन नाम मंगल पांडे, शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के होइल बा। प्रणाम। हम तो जानत रही कि मुन्ना पढ़े खाली दही चिवड़ा 12 कोस आ पूरी तकारी 18 कोस ही जानलन, मगर मान गई आपके माया के प्रभु धन्य है। अपने माई के पियावल दूध की ताकत याद करा, बहुत हौसला मिल जाए। के सिवनवा से खेत खरिहनवा, गांव के सिवनवा से खेत खरिहनवा, नाही बुलाला घर जवार, ए गोरी गौवा बोलावेला हमार, ए गोरी
गौआ बोलावेला भगिए करवले बतो से मिलनवा मनवा में पोरत बाटे हमरो सपनवा जो हताटे रोज वहाँ कोई मोर रहिया कागा उछरावत होई है बलम आई है कहिया तलवा के पनिया में रात के चंदनिया में तलवा के पनिया में रात के चंदनिया में चांद लागे धरती के सिंगार ए गोरी गौवा बोलावेला हमार ए गोरी गौवा बोलावेला हमार भैया पूछा था मेरे नाम रखे आज बात रानी ये प्रणाम अरे मुन्ना प्रणाम प्रणाम आवा बैठा बैठा और कहा था भैया कल बड़ी अजीब बात हो गई क्या हुआ वो लड़कियां के ले गई पार्क के पीछे और लिया की आग लगा देनी और आग के देखते हो भागे लगा बोले लगा लो होश आ गई कैसे लेकिन भैया चिंता ही कोनो बात नहीं है एगो काम हमारा के दिल बनी हो गया कल हमारी ड्यूटी पार्टी हम करके देते बस ये बतावे नहीं हम जाता नहीं अच्छा सुना बैठा बैठा परसों मेरा जन्मदिन है जन्मदिन हाँ और मैंने अंडरवर्ल्ड के कुछ खास लोगों को इनवाइट किया है वो तेरा छोटू कहाँ है घरे बैठे ना हाँ उसको भी लेकर के तू परसों आ और परसों कोई दूसरा काम मत रखना परसों कोई और काम मत रखना समझ गया ना अब और काम का हो सकेला परसों भी सर सोचना बिल्कुल पक्का बटे अबू कामिल के जन्मदिन के सारी प्लानिंग हम लिफाफा में भेज रहे बनी सर जय हिंद हो हमर भैया हमें गोदनहरू
कोई गोद ना ले इनसे गोदाए। अच्छा, इनका गोद ना के आगे फेल टैटू। टैटू? हाँ। तजरा हमको भी दो गोदवाए। हरे भैया के गोदना के शर्त बड़ी यार। अच्छा, दाग ना ही होखे के चाही सरकार। हरे मन हो तशंका मिटा। What do you mean? फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। हमर भैया हमें गोद नहरू, कोई गोद ना ले इनसे गोदाए। इनकर गोद ना के आगे फेल टाइटू, जरा हमको भी दो गोदवाए। हर भैया के गोद ना के शर्त बड़ी यार, दाग नही होखे के चाही सरकार। और मन हो तो शंका मिटाओ, मिटाओ ना। फटाफट खोल के दिखाओ, दिखाओ ना। फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। एक बेर गोदवाई बूता मन करी तोहार बार बार। अच्छा चलो मान लिया मैंने तेरी बात। हर भोजपुरिया गोदना के देखा कर मार, हर भैया के जल्दी बुलाओ। फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। साँच के कैसन आँच गोरी, दुई मिनट में हो जाइबू पास। बाजा बाजी हम हूँ न चाही तकरार, गोदला पे गोदी है न भैया हमार। फलतू न टाइम गवाओ, नहीं छोड़ोगी? फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। अरे फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। भैया नंबर वन गोद नहरू, कोई गोद ना ले इनसे गोदा। इनका गोद ना के आगे फेल टैटू, जरा हमको भी दो गोदवाए। अरे भैया के गोद ना के शर्त बड़ी यार, दाग ना ही होखे के चाही सरकार। हर मन हो तो शंका मिटा, फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के। अरे भाग रे पुलिस, फटाफट खोल के दिखाओ। खजब के दिन बैठे हैं हम। एक मिनट में आवता नहीं। अच्छा ठीक है। अरे मर्दे कबो तो बढ़िया काम कर लेबे, देहल करो। कितना अच्छा सपना देखत रही हम। अब गे हम मंच पर चढ़ रही, राष्ट्रपति जी हमरा के भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करत रहे हैं। अच्छा ले चोरी और का तक है, देखा ना है दे। एम्बेसी से लेटर आइल बा।
हमके सब पता चल गई मोहित, सब पता चल गई। आज तो सर हम खुशी के मारे पागल हो जाए, पागल हो जाए हम। माई के पता चली तो घर का हालत हुई, आ कुसमी के, कुसमी के पता चली होकर भाई हिंदुस्तान के हीरो हो गए बैठे तो खा करी। बाबू जी तो पागल हो जी, पागल हो जी एकदम से। सुमन के खुशी के ठेकाना सोचा था जॉन बेचारी उर्मिला जैसे अपना लक्ष्मण के इंतजार करत हुई। बेचारी सुमन कितना खुश हुई वो, किस्मत पलट गिल रे। ये सुमन के हाँ सुमन सुमन एक जानी हम आप लोगन से जानत चाहता नहीं कि ये सुमन के हाँ हाउ के है सुमन हम बताओ तनी प्रिया ये सुमन हमार हमार प्रेमिका सांस समझ लो हमार हमार माई बिया हमार प्राण बिया हमार एगो बहिन बिया कुसुम आत्मा बिया हमार और हमार बाबूजी हमारे जीवन के प्रेरणा बाढ़ प्रेरणा और हम काहे तुहार बहुत महार हो मुन्ना प्रेरणा से दूर हो आत्मा भी पास नहीं है प्राण भी नहीं है और सांस भी नहीं है फिर भी जिंदा हो मुन्ना बहुत महान हो तुम मुन्ना बहुत महान हो यही तो समझावल चाहता नहीं हम यही तो समझावल चाहता नहीं कि हम अपने जीवन में कितना कठिनाई सहले बानी कितना चीज खोले बानी जो अपने जीवन में हमने की हमारा दोस्त के लाश हमारा आंख के सामने पड़ल रहे हमने के ओकरा एक कंधा भी नहीं दे सकत रहनी जा कितना भागा जीवन बीतल बटे हम जानत नहीं अगर आज हमने के जिंदा बानी जाना प्रिया तो सिर्फ तुहरा कारण सिर्फ तुहरा कारण हमने के तुहरे एहसान जीवन में कब्बू नहीं भुला सके नहीं जा कब्बू नहीं कब्बू नहीं कहा हम उन लोगों के दर्शन के लिए तुहार देश चल सकेला हो जाइए हम जानते हैं कि आपके दिलों में इन महान नायकों से मिलने के लिए कितनी तड़प है बेचैनी है बेकरारी है बिहार की मिट्टी में पैदा हुए और उत्तर प्रदेश की पावन मिट्टी में जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की इन दो युवाओं ने हिंदुस्तान के पहली बार अंडरवर्ल्ड माफिया और देशद्रोही को पकड़वा कर हमारी भारत माता का सर पत्र से ऊंचा कर दिया है ए चंद्रिका ये हमारा बिहार के लड़का तक कमाल का देहलस हाँ अरे तब बाबू कुंवर सिंह के धरती नु है तो भाइयों इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है हमारे दोनों नायक इस ऐतिहासिक मैदान में पधार चुके हैं मैडम को बैठा दो बैठा दो मैडम को वहां बैठा दो माननीय चीफ जस्टिस साहब से आग्रह करूंगा कि हमारे महानायक मुन्ना पांडे जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें ये तो हर भय आदमी लागत बाड़े जवन तो हमारा पास लेवले रहला हाँ मंत्री जी का बच्चा जी साहब अब मैं माननीय चीफ जस्टिस साहब से आग्रह करूंगा कि वो शूरवीरों के बारे में दो शब्द कहें ओके सर भाइयों और बहनों रुकिए सर हमें आप लोगों को बेहद अफसोस के साथ में सूचित करना पड़ रहा है
कि मुन्ना पांडे और मोहित प्रजापति को हमें इसी वक्त हिरासत में लेना पड़ेगा। ये क्या बकवास कर रहे हैं? जी हाँ सर, इन दोनों के खिलाफ बिहार में 18 अपहरण और 9 हत्याओं के संगीन अपराध दर्ज हैं। और इसके अलावा इन लोगों ने तकरीबन 7 महीने पहले बिहार के होम मिनिस्टर के बेटे का अपहरण भी किया था। समय आने पर ये सब सबूत कोर्ट में पेश कर दिए जाएंगे। बोथ आर अंडर अरेस्ट। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, सरासर इल्जाम है। मुन्ना ऐसा नहीं कर सकता। ये सब झूठ है। जब आज पूरा देश इन दो देशभक्तों पर गर्व महसूस कर रहा है, उस दिन ऐसी बात करना क्या उचित है? आप लोग बताइए। आईजी साहब, आपको जो खबर मिली हो गलत है। जज साहब, आप बताइए, अपने जान की परवाह ना करके जिन्होंने आपकी सरकार की मदद की, क्या वो अपराधी हो सकते हैं? हाँ बेटी, बगैर पर्याप्त सबूत के कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। चलिए आप आइए। नहीं जज साहब, मुन्ना ये सब कहा है? मुन्ना तू कहा ही नहीं के बोलत, एक बार बोल दे कि सब झूठ है, बता दो सबके। मुन्ना, 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 मुन्ना। एक बार मुन्ना। शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। यूं तो हमारी कहानी बहुत छोटी है, बहुत छोटी, लेकिन आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं वो बहुत सारे सवाल खड़ी करती है, बहुत सारे सवाल। ये सच है कि हमने जीवन में एक गलती किया है और ये हमारे जीवन की पहली और आखिरी गलती है। क्या करते, हम मजबूर थे, हमसे हमारे माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं देखे गए। दहेज के कारण हमारे बहन की शादी न हो पाने की पीड़ा हम नहीं बर्दाश्त कर सके, नहीं कर सके। हम ग्रेजुएट थे लेकिन हमारे देश में हमें काम देने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर हमसे जो अपहरण की गलती हुई उसके बदले हमने कोई फिरौती नहीं ली, उल्टे हम अपनी माँ बाप बहन से दूर, अपने सोने जैसे गांव से, अपने घर से, अपने देश से दूर, अपनी जान बचाने के लिए सारी दुनिया में कुत्तों की तरह भागते रहे। एक बार मौका मिला अपने देश के लिए कुछ करने का, तो हमने किया है, हमने किया है। फिर भी बेशक हमें फांसी पे चढ़ा दिया जाए, ये जो मेरे साथ हुआ है ना, हम इसको स्वीकार करते हैं। बेशक हमें फांसी पे चढ़ा दिया जाए, लेकिन हमारे फांसी पे चढ़ने के बाद भी हमारे देश का 20 करोड़ नौजवान आपसे सवाल करता रहेगा कि आखिर हम ये नहीं करते तो क्या करते है? कोई जवाब? एयर कंडीशन में बैठे हुए हमारे देश के भाग्य का फैसला करने वाले लोग हमारे लिए क्या करते हैं, इसका भी सोच के रखना। ये भोली भाली जनता के सामने चिकनी चुपड़ी बातें मत कर। ये तरह भावुक होकर बोले थे, ये घड़ियाली आंसू बहावे थे, अपराध कम ना हो जाला। भाइयों रहुए बताए, ये दोनों अपराधियों के छोड़ दे या सम्मानित करी तो अच्छा हुई? तो फिर हमारे देश के जेलन में जवन सैकड़न संगीन अपराधी सड़क हूँ, उनका क्या हो? ये यही है, यही आदमी है, यह आदमी हमने के लिए बैठे। ये दोनों को पकड़ो। मुन्ना, मुन्ना ये क्या कर रहा है? ये आदमी को पकड़ो पहले, इस आदमी को पकड़िए पहले। ये पकड़ो इसे। अरे सही का जीत जाओ नेता, जगले भारत माँ के बेटा, अब जवानी नहीं तोहराया के नाक रगड़िया। छोड़ बात के करे जा दे के अल्लाह मालिक भेजा, ओके काई देरवाई को नगर नगरी, ओके काई देरवाई को नगर नगरी। एक चांदना सारा तोड़ दे, पचान के बनी नहीं।
निकाल दे। और मोहित को ले आओ। लेकिन सर, ऊपर से आदेश आया है कि यदि इन दोनों का चालान कोर्ट में पेश किया गया तो यह भारतीय न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि वे लोग किसी न किसी बड़े वकील के मदद से छूट जाएंगे। दोनों बड़े नामचीन क्रिमिनल हैं, इसलिए उन दोनों का एनकाउंटर यहीं कर दिया। बट एनी डाउट? नो सर। गो एंड टेक एक्शन। ओके सर। इन दोनों को बाहर निकालो। चलो बाहर आओ। ए कहां ले जाओ हमने की? चलो। अरे हाथ छोड़। चलो। ए देखी हमने की अपराधी देखी जा। भाई साहब हमने संगे बहुत गलत रोल बांटे। हम लोग देश के एगो सम्मानित नागरिक बनी जा। हमने के ऊपर सब गलत आरोप लगल बैठी। जानता हूं, खोल दो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जाओ, आज से तुम आजाद हो। अरे चंदू का? दरअसल रामकृपाल जैसे लोगों से तुम जैसे लोगों को दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। गलती कर दी तुम लोगों ने। चलो भागो, भागो। सॉरी, बहुत गलत फुरल बाटी। आईजी साहब बहुत गलत फुरल बाटे हमने संगे। आईजी साहब गलत फुरल बाटे बताए तेरी। आईजी साहब काउंटर नहीं कर सके आप हमने। भागा। अरे पूरा भागा हमारी पूजा करे सर। अरे सर तुम बात तो नहीं करे। हमारी पूजा करे खुदा के पब्लिक के साथ आई बताओ। अरे पूजा भागा, पूजा भागा। मोही। अरे भागा। अरे भागा मत। अरे पूजा भागा यार। कैसे भागी रे? अरे भागा ही हमारी पूजा करे सर। भाग भाग ना पूजा। भाग ना। अरे सर छोड़ के भागी ना। अरे पूजा। अरे भाग ना। अरे भाग ना। भागा। अरे सावर दा दुनिया के किसी के हाथ का रोक ले तो खोपड़ी भुजरी भुजरी का दे। लोग भाग जा बेटा, भाग जा। लवर लवर लवर। चल 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 चल। कि मुन्ना पांडे आप पर ही क्यों झपटे? क्या मुन्ना पांडे से आपका कोई रिश्ता है? मुन्ना पांडे को क्या सजा मिलनी चाहिए? अरे भाई बताता हूं, मुजरिम तो मुजरिम ही होता है। मुन्ना पांडे से नहीं, मेरी तो हर मुजरिम से दुश्मनी है। खैर आप इन बेकार की बातों को छोड़िए। मुन्ना एक संगीन मुजरिम है और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इस वक्त वो कानून के गिरफ्त में है। समझे आप? भाई हर अपराधी को यह समझ लेना चाहिए कि कानून के साथ में खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हैं आप? पत्रकार बनी प्रेस कानून में जाते? नहीं, सम्मेलन में नहीं, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। अरे भाई हम पत्रकार बनी, हमारा के जाएगी परमिशन? ना ना, ना जा सकी ना। अरे हम पत्रकार बनी कैसे नहीं जा सकेला? आज बात कर। नहीं जा सकेला सर, ना जा सकेला। वो अपराधी पकड़ा गया इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं, समझे कि नहीं आप? ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है जी। फिक्र की बात तो बाटी, ऐसा पता चलल बा कि मुन्ना पांडे के ऊपर जौन भी आरोप लगावल गेल बाटे वो सब गलत बाटे। वो खाली एक ही अपहरण कैले बाटे और वो भी अपहरण के जिम्मेदार आपे बने। ओकरा के आपे 40,000 रुपया दे के अपहरण करे खातिर बाध्य कैले। क्या क्या बात करते हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? कहां गए हो तुम? मैं वही व्यक्ति हूँ जिसके ऊपर ये सारे आरोप निराधार लगाए। मुन्ना, मुन्ना,
हम ब्राजिल की ये आदमी हमारा क्या पहाड़ का खेल बात की हमारी सारी दुनिया उजार दस ये आदमी हम हिंदुस्तान से कुछ कहल चाहता नहीं हम पत्रकार भी कुछ कहल चाहते हैं हम प्रतिनिधि मुन्ना पड़े हमने के अब इनकाउंटर करे के प्रयास कल गए बटे जब हमने के जेल जात्र नहीं जा हमने के अपराधी नहीं जा हो चाहे फांसी पर चढ़ा दो चाहे तोप से उड़ा दो हो चाहे फांसी पर चढ़ा दो चाहे तोप से उड़ा दो फलागे दो उला दो संविधान सगरी अपन हो ही गहिल काम जिंदाबाद हिंदुस्तान काले हमनो के नाव पर बनाई पगड़िया हैया 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 मोहित मुन्ना भैया ओ गोड़वा लोहा के गड़ारी आगे पीछे वर्दी धारी जैसे छानल आदम खोर जानवर के टंगड़ी देखत हुई है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु वो स्वर्ग से बजावत हुई है आज थपरिया भैया 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 मोहित मुन्ना भैया आइए 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 मिल गए भारत रत्न मत हम यही है एक बात बोली हमके सलाखन के पीछे तू लोग पहुंचौला है लेकिन याद रखिया तू हम तोहरा के छोड़ब नहीं जस सारा जीवन बीस झेले हरदम खतरे से खेल ओके डोड़ा के देता फुफकार नगरी जेखर बाघ के करे जा देखे अल्लाह मालिक भेजा ओके काई डेरवाई गुनहगार नगरिया के परिवार की गुहार चंद्रिका की गवाही रामकृपाल की सच्चाई और देश भर से जनता की अपील को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति जी ने मुन्ना और मोहित को जेल से रिहा करने का हुक्म दिया। ए, रुको भाई। भाभी जी प्रणाम। प्रणाम। उन्ना, उन्ना, हमरा के गर्व बा कि हम तोहार बाप हैं। मुन्ना भाई अब आप आजाद होकर कैसा महसूस कर रहे हैं क्या लग रहा है आपको मुन्ना पांडे जी अब आपने आगे की राजनीति क्या बनाई है मुन्ना पांडे अब बेरोजगार नहीं अभी हमारी कंपनी के मैनेजर नियुक्त हो गए बानी और हम मालिक मोहित जी करो वहाँ अपन कंपनी इंडिया में भी लॉन्च करो कब ले प्लान बा कंपनी के मैनेजर भी हो गए अब आगे आप क्या सोचती सुमन बहुत इंतजार खेले बड़ू हमारा खातिर दू अरे दिल से दिल के मुलाकात हो गई जिंदगी भर के साथ हो गई हो हो हो, 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 हो दिल से दिल के मुलाकात हो गई जिंदगी भर के साथ हो गई दिल से दिल के मुलाकात हो गई जिंदगी भर के साथ हो गई प्यार में हमरा चाहे जहर पिए के पड़े प्यार में हमरा चाहे जहर पिए के पड़े राम ना करे राम ना करे कभी तोहरा दिन जिए के पड़े राम ना करे तोहरा दिन जिए के पड़े